स्कूटर कहाँ है डैडी? रास्ते में खराब हो गई बेटी, उसे गैराज में देकर बस से आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। चलो ऑटो से चलते। अरे अरे ऑटो से किस लिए डैडी, पैसे वेस्ट होंगे। अगर हम यहाँ से शॉर्टकट जाएंगे तो 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, आओ। अरे नहीं डैडी, चलिए चलकर चलते हैं प्लीज। ठीक है चलो। अरे छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मेरी बेटी को। ये क्या कर रहे हो? लड़की भागी, पकड़ उसे। ये क्या कर दिया? आंखें होकर भी तुझे दिखाई नहीं देता? मेरी शराब की सारी बोतलें फूट गई। सॉरी सर। क्या सॉरी? तुम औरतें ऐसी ही होती हो, खुद तो पीती नहीं हो, जो नहीं पीते उन्हें भी बिगाड़ देती हो। छी, ये भगवान मेरी शराब की बोतलें। वो लोग मुझे किडनैप करके मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं सर, प्लीज मुझे बचाइए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। ए, क्यों बचाऊं तुझे? जितनी तुझे तेरी इज्जत प्यारी है, उतनी मुझे मेरी बोतलें प्यारी है। चुप, रोना बंद कर। तुम्हारी टक्कर से मेरी शराब की बोतलें चकनाचूर हो गई और अब मुझे रोना आ रहा है। ऊपर से तुम रोकर मुझे और परेशान कर रही हो। अरे वाह 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 वाह, ओ मेरी राज दुलारी, सच में तू मुझे बहुत प्यार करती है। आजा, आओ। सर वो लोग आ रहे हैं, मुझे बचा लीजिए प्लीज सर। सर आपको जितनी शराब चाहिए मैं आपको लाकर दूंगी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या कहा, मुझे शराब दिलाओगी? हाँ सर। क्या करूं, तुम लड़कियां कभी हाँ कभी ना कह के गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, मुझे भरोसा नहीं है। मैं अपने सर की कसम खाकर कहती हूँ मैं आपको शराब ला कर दूंगी। पीटर स्कॉच दिलाओगी क्या? दिला दूंगी सर, जो चाहिए सर। तुम्हारी शराब की दुकान है? क्यों रे, उसके पीछे छुपने से तुझे छोड़ दूंगा ऐसा लगता है तुझे? इधर आ, इधर आती है ना तो। रुको ब्रदर, इंजॉय करने के बाद बियर पीकर भी तुम्हारे पास आने के लिए आनाकानी करती है तो समझ में आता है ये वैसी टाइप की है क्या? नहीं। तुमसे प्यार करके किसी और के साथ टाका भिड़ा हो तो इसके चेहरे पे एसिड डाल सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। ऐसा कुछ किया है क्या इसने? नहीं किया। तो फिर कॉलेज में आंख मार कर तू ही मेरा प्यार है, तू ही यार है, मैं तेरे से शादी करूंगी कहकर उसके बाद किसी पड़ोसी से मेरी शादी तय हो गई है, मुझे माफ कर दो ये कहा है, तब उसके साथ तुम कल परसों कुछ भी कर सकते हो, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा कुछ किया है इसने? नहीं। ऐसा भी नहीं है, तो फिर जिसने कुछ किया ही नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े हो? ए, पराई नारी पड़ोसी देश के समान होती है, कहीं तुम लोगों पर गोली मारना हो जाए। अरे चुप, कब से तेरा भाषण सुन रहा हूँ मैं, ये तेरी क्या लगती है जो हिमायत कर रहा है? ए, क्या बे, इस लड़की में तेरी बीवी नजर आती है क्या? अबे ये तेरी बहन लगती है क्या? इसमें तुझे तेरी माँ नजर आती है क्या? तू क्यों बीच में पड़ रहा है, चल निकल। क्या भाई इतना क्या गर्म हो रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो खुद ही कितना परेशान हूँ, इस लड़की ने मेरी शराब की बोतलें तोड़ दी, ऊपर से और सर दर्द क्यों पालूं? लेकर जाओ इसे। अरे जाओ जाओ, तूने मुझे पागल समझा है क्या? वो लोग जा रहे हैं और मैं अकेला हूँ, खाली फोकट में क्यों मार खाऊं? हे भगवान, कौन बचाए इसे? सर प्लीज, सर प्लीज, चुप। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, नीचे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है? देख तो। देखता हूँ। क्या बे, तू गाड़ी के सामने क्यों बैठा है, ज्यादा चल गई है क्या? जो चढ़ी थी उतर गई,
इससे पहले उस लड़की में तुझे क्या नजर आता है ये पूछा था ना, उस वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, अब देता हूँ। वो लड़की मेरी नजर में मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्ट्रीट में हर स्टेट में अत्याचार का शिकार होकर एक बेबस लाचार भारत माता की चित्कार की तरह लगती है। जब कोई नीच फिरंगी हमारे देश की औरतों पर नजर डालकर उनके कपड़े उतारते थे तो उस रोती हुई औरत में भारत माता जैसी मां नजर आती थी। पाकिस्तान में लोग अपनी पत्नियों को पड़ोसियों के यहाँ सुरक्षित रखकर भारत माता के बच्चों पर बॉम्ब डालकर उन्हें मारते, तब उनकी विधवाओं में मुझे भारत माता की बहुएं नजर आती हैं। डायलॉग तो बहुत बड़े बड़े मार रहा है तू। तो क्या तू सीता माता को बचाने आया हुआ हनुमान है क्या? नहीं, मैं बलराम हूँ। तम है तो यहाँ से ले जाकर दिखा दे मेरी बहन को। चल रे चल, इस पागल के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। सर, चल प्लीज, सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। जय बोलो भारत माता की। सॉरी, क्या बेटी बेटी बोले जा रहा है, पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ सर, लेकिन आप नहीं चलेंगे तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो? म्यूनिसिपैलिटी में काम करता हूँ सर, लेकिन मेरी बेटी को बचाने और मेरे काम के बीच में क्या संबंध है? अरे संबंध है, फोन करके जब हम कहते हैं लाइट चली गई तो तुम चालू करते हो क्या? हमारा ड्रेनेज भर गया कहते हैं तो तुम आकर साफ करते हो क्या? अब बोलना, तुम लोग नहीं करते हम जानते हैं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 10 से 5 काम करते हो। तुम लोग भी पब्लिक सर्वेंट हो, हम लोग भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तुम लोग 10 से 5 काम करके शाम को फिल्म देखने जाते हो,
छुट्टियों में पिकनिक जाते हो, त्योहारों में रिश्तेदारों के घर जाकर मजे करते हो, लेकिन हम लोगों को 24 आवर 365 डेज ड्यूटी करनी पड़ती है। स्टेशन ही हमारा घर है, सेल ही हमारा संसार है, कैदी लोग हमारी पत्नियां हैं, ट्रांसफर हमारा ससुराल है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वगैरह हमारा पिकनिक स्पॉट है, कोर्ट ही हमारा सिनेमा है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि अब से 10 से 5 तक ही ड्यूटी किया करेंगे। कल 10 बजे के बाद आकर कंप्लेंट करना, तब देख लेंगे। ऐसा मत कहिए सर, अगर देर हो जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा सर। अगर अनर्थ होता है तो हो जाने दो, हमने क्या सबका ठेका ले रखा है सर। बेटी, बेटी लता तुम ठीक हो? ए, कौन है बेटू, ये सब कौन है? हमारे सीआई साहब। ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कौन है तू? इसको बचाने के लिए कहा तो हमारे एसआई साहब ने क्या कहा आपसे? मेरी ड्यूटी 10 से 5 तक है, कल 10 बजे के बाद आकर कंप्लेंट करना, ऐसा कह रहे थे सर। लेकिन मैंने कुछ अनर्थ वगैरह की भी बात सुनी, वो क्या था? अब मैं क्या बताऊं सर, कुछ अनर्थ होता है तो होने दो, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, ऐसा कह रहे थे। ए, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे थाने में आकर मुझे जूता बदल। 10 से 5 तक काम करने के लिए तू कोई पंचायत में काम करने वाला प्यून है या म्युनिसिपैलिटी का स्टाफ? सर, ए, पुलिस मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सिक्योरिटी है। जी सर। सरहद पर सैनिकों ने एक पल भी आंख झपकाई तो अपना देश हाथ से निकल जाएगा, उसी तरह से पुलिस ने भी आंख झपकाई तो हमारे समाज का नाश हो जाएगा। ए, सब लोगों को काम करने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन सिर्फ पुलिस वालों को, रेपिस्ट को पकड़ने से रिवॉर्ड, कातिल को पकड़ने से प्रमोशन, आतंकवादियों को पकड़ने से अवार्ड, इंक्रीमेंट, कैश प्राइज दिया जाता है। अगर तुम ड्यूटी के दौरान मारे जाते हो तो तुम पर देश का झंडा उड़ाकर इज्जत से अंतिम संस्कार करके परिवार वालों को पैसे देकर संभालते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं सिर्फ 10 से 5 वाला काम चाहिए, शाम को किसी मॉडल के साथ पार्ट टाइम फिल्म देखकर मजे करना हो, तो पुलिस के काम को रिजाइन करके मेरे पास आ जाना, तुम्हें उसी पल मैं आशिकी के नजारों की दुनिया में पहुंचा दूंगा। सर, मैं भी सिंसियर हूं सर, लेकिन जहां क्राइम हुआ है वो हमारे एरिया में नहीं पड़ता, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में आता है सर। तेरी शादी हुई क्या? हाँ सर। और तेरी बीवी बहुत ही सुंदर है क्या? सुंदर है सर। अब अगर किसी दिन तेरी बीवी को नाइट शो फिल्म देखकर घर आते वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तब वहाँ का एसआई अगर कहता है कि ये केस हमारे एरिया का नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, और फिर रेप होने के बाद जाने दो इज्जत ही तो गई है ये सोचकर शांत बैठ जाओगे, या इज्जत चली गई कहकर अपनी जान दे दोगे? अब बोलना, इस देश में कहीं भी जाकर ड्यूटी करने की इजाजत सिर्फ हम पुलिस वालों को है। पुलिस वालों के लिए स्टेट लिमिट्स या स्टेशन लिमिट्स नहीं होते, जहाँ जुर्म होता है वहाँ कदम रखने वाले को ही सच्चा पुलिस वाला कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी सर। दैट्स गुड। इन पर केस दर्ज करके इन्हें सेल में डालकर कल कोर्ट में हाजिर करना, और साथ में इन्हें अपने रिश्तेदारों की तरह जीप में बिठाकर इनके घर पहुंचाना। ठीक है सर। हेलो। सॉरी जी, बलराम साहब घर पर नहीं है, आप तो जानते हैं ना, वो जितना अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर है उतना ही अपने घर के प्रति सिस्टमैटिक है। शाम को जल्दी घर पर आकर अपनी पत्नी को प्यार से फिल्म दिखाने ले गए हैं। फिल्म दिखाने ले जाना था, भूल ही गया मैडम, गुस्से में। ऐसी बात नहीं है सुशी, आज मैंने खाना भी नहीं बनाया है। फिल्म देखने के बाद किसी अच्छे से होटल में जाकर अब खाना खिलाएंगे, कहा था ना? मुझसे गलती हो गई, चाहो तो मुझे बहुत मारो लेकिन अपना गुस्सा थूक दो, मुझे खाना नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मेरा इंतजार करके इस तरह तुम भी नहीं खाओगी। सॉरी, मैं कोई सत्य सावित्री अनसुईया नहीं हूँ, चौपटी की राह देखकर खुद के पेट को जलाती बैठूं। मैंने खाना बनाकर खा लिया है। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता सुशी, मैं देर से आता हूँ ये जानते हुए अपना पेट जलाना बुरी बात है ना? प्रॉमिस, कल अपना फिल्म देखने का प्रोग्राम कंफर्म। 2 मिनट रुको,
मैं खुद जाकर तुम्हारी भूख और गुस्सा दोनों एक ही साथ ठंडा करता हूँ। तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सब बनाकर मैंने हॉट कैरेज में रख दिया है। आप मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। देर हो रही है कहकर कम से कम एक बार फोन तो कर सकते थे। नए ट्रांसफर का आपने चार्ज भी नहीं लिया। कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इस टाउन का सर्वे करना है, ये बात कहकर आप सुबह सुबह चले गए थे और अब आए हैं। जब ड्यूटी पर होते हैं तब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जब ड्यूटी पर नहीं होते तब भी मुझे याद नहीं करते, इसी बात का। सॉरी सुशी, गलती हो गई। बस कीजिए, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैडम का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। जेल छोड़कर भाग गया सर। कौन है वो? इसे क्यों पकड़ के रखा है? मेरे पोते ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसे अंदर बंद करके रखा है? आपके पोते पर खून का केस दर्ज है। केस दर्ज करने के पुलिस वालों के पास कई उपाय होते हैं, और उस केस से बाहर आने का उपाय हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पोते पर कोई मामूली केस नहीं है, किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू रेप, चीटिंग, इतने केस है। और तो और पुलिस को मारकर हमारी कस्टडी से भाग गया था, ये भी केस है। तो क्या हुआ, मनाए तो बहुत केस बनते हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति की अगर कोई हत्या कर देता है तो वो केस कहलाता है। गले में भगवान का लॉकेट पहनने के बजाय कोई साइनाइड का लॉकेट पहने तो वो केस कहलाता है। अगर शराब में धूत होकर पुलिस वाले को कोई मारता है, मेरे पोते के कारण अगर कोई मर जाता है तो वो केस कहलाता है। मतलब आपके पोते के मुंह में कितने दांत है ये भी वो नहीं जानता, आप बताना चाहते हैं? सीआई साहब है। आपका मतलब है आपके पोते को मूंछ कब आई ये भी नहीं जानता, मिर्च और चीनी के बीच का फर्क भी नहीं जानता, इतना भोला है आपका पोता। यार मतलब एक प्रकार का फूल है। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे ये पिछली जनरेशन का इंसान है, पैदा हुआ 20th सेंचुरी में और दिमाग 12th सेंचुरी का, आप ये कह रहे हैं? सीधी तरह कहें तो आपके पोते का उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं? नहीं है, किसने कहा? संबंध जरूर है। लीगल या इलीगल, हम लोग इज्जतदार घराने के लोग हैं। एक बार खाना किसी के घर में खा लेंगे लेकिन रिश्ता जल्दी में नहीं जोड़ेंगे। ऐसा रिश्ता आपकी नजर में नाजायज है क्या? मेरा पोता किसी और की पत्नी को या अपने दोस्त की प्रेमिका को उठाकर नहीं ले गया, ना ही उसने उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती किया है और ना ही उसे मजबूर किया है। पहले उन दोनों के बीच क्या हुआ ये ठीक से सुन लीजिए, बाद में वो प्यार है या धोखा है ये आप सोच कर बताइए। ये कौन है? मेरे दादाजी हैं। दादाजी? क्या रे, ऐसे क्या देख रहा है? कौन है ये लड़की? दादाजी आप यही पूछने वाले हैं ना? नहीं। लड़की कौन हो तुम? दादाजी ये मधुलता है। Shut up! जैसे मशहूर अदाकारा है इस तरह से बता रहा है तू? इंट्रोडक्शन किए बिना ही जानने के लिए ये लड़की कोई खास सेलिब्रिटी है क्या? मधुलता कहता है, मधुलता है लड़की। एक जवान लड़के के साथ उसकी बाइक पर
चिपक कर बैठ के उसकी कमर पकड़ के यहाँ वहाँ घूम रही थी, इसका मतलब है मेरे पोते से तुम्हारी बहुत ही गहरी पहचान है। बोलती क्यों नहीं? ऐसे पूछेंगे तो कैसे बताएगी दादाजी? सही कहा, इसे पूछना बेकार है, पूछना तो तुझे चाहिए मारकर। एक कुंवारी लड़की के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आई बदतमीज? हाँ, शादीशुदा लड़की के साथ घूमूंगा तो लोग मारेंगे नहीं। क्या यहाँ कोई मजाक हो रहा है? नहीं, प्यार हो रहा है। क्या कहा तूने? रुक जा। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी, क्या हुआ दादाजी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ये कोई भागने क्यों मारा? आराम से भागना चाहिए था ना, कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई ना? मुझे भी यही लग रहा है। तो फिर चलो जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पहले फोन करते हैं। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? वही तो फोन। हमारे घर में फोन नहीं है। बस बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, अब दोनों खड़े हो जाओ। सीधे बात पर आते हैं, क्यों रे इस तरह से क्यों खड़े हो? ठंड लग रही है क्या? इज्जत दे रहा हूं। इज्जत दे रही हो? ओह, मुझे इज्जत दे रही हो, ठीक है, लेकिन अपने प्यार को भी इज्जत दे रहे हो कि नहीं? और तू रे, तुम्हारे प्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, कम से कम लड़की के घर वालों को तो बताया कि नहीं? दादाजी, दादाजी, ये सारा भार आपको ही उठाने दादाजी। मुझे? हाँ दादाजी, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। आप उनसे बात करेंगे तो मना नहीं करेंगे। हाँ। हमारी जल्दी से शादी हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें। अरे क्या बेटी, जब मैंने तुम्हें अपने पोते के साथ देखा तभी मेरे दिल से आशीर्वाद निकल गया। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। अब उठो, एक अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू दादाजी। भाभी जल्दी खाना दीजिए ना। भाभी पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, कम से कम मुझे तो खाना दे दो आप। मधु के आने से पहले किसी को खाना नहीं मिलेगा, शोर मचाकर कोई फायदा नहीं होगा। अरे सुबह से शांति तो थे, कम से कम खाना मांगने के लिए तो मुंह खोलने दीजिए। चाहे भालू दौड़े या हाथी, मधु को आने दीजिए, तब तक नो खाना, ओके? तुम्हारी भैया। जल्दी से आओ बेटी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आने में कितनी देर करती हो, देखो तुम्हारे लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या डैडी, हर संडे खाने पर आप लोग मेरा इंतजार क्यों करते हैं? आप लोग खाना खा सकते थे ना? तुम हमारे साथ बैठकर सिर्फ संडे को ही लंच करती हो ना बेटी, ये तो सिर्फ छोटा सा इंतजार है बेटी। जब तुम अपनी माँ के पेट में थी ना, तब हमने तुम्हारा इंतजार 10 महीने तक किया था। बैठो। अच्छा डैडी, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, कल को मेरी शादी होकर मैं ससुराल चली गई तो? तुम कहीं नहीं जाओगी बेटी, तुम्हारा पति इधर आएगा। बस बस और नहीं चाहिए। क्या हुआ, तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने वाली हो क्या? ऐसे बेकार में डाइटिंग करके माचिस की तीली की तरह हो गई हो। देखिए ना डैडी, जॉगिंग तो रोज ही करती हो ना बेटी, आज खाना खा लो। ये क्या है साहब? गलती हो गई। इडियट, ये कंकड़ मेरे खाने में आया कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बेटी के खाने में आता तो आउट, गेट आउट। तुम्हें यह काम करने की जरूरत नहीं। इन्हें एक बार माफ कर दीजिए। तुम समझती नहीं हो बेटी। प्लीज डैडी। ठीक है, मेरी बेटी कह रही है इसलिए माफ कर रहा हूँ, आगे से इस बात का ध्यान रखना वरना। जी साहब। मालिक आपसे कोई मिलने आया है, नाम लक्ष्मी प्रसाद बता रहे। बैठने को बोल। जी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार, कहिए। मेरा नाम राय बहादुर लक्ष्मी प्रसाद है, ब्रिटिश लोग जाते जाते राय बहादुरी तो अपने साथ ले गए, वैसे धन संपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं रही, लेकिन भास्कर पेट बस्ती में एक छोटा सा घर है, अपने पोते को MBBS पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम संजय प्रसाद है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। छोटे। जी भैया। चेकबुक लेकर आना। नहीं नहीं, हाँ। नहीं
मैं यहाँ चंदा मांगने नहीं आया हूँ सर। तो फिर? एक संबंध के बारे में आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। जरा खुलकर बताइए। आपकी बेटी मधु और मेरा पोता दोनों क्लासमेट्स हैं। दोनों जवान हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों शादी भी करना चाहते हैं। हाँ, मैं और सोनू दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके दादाजी भी राजी हो गए हैं। मतलब हमें कुछ बताए बिना उनके घर जाकर शादी करूंगी ऐसा वचन भी देकर आ गई। क्यों, किसी को वचन दिया है क्या? डैडी, उठ, तो बीच में मत आ, तो अंदर जा बेटी। यही हाथ है ना, यही हाथ जोड़कर तू बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी और आज यही हाथ तू बच्चे को मारने के लिए उठा रही है। तुम पीछे हो जाओ। बाहर का काम आप संभालिए, घर का काम मैं संभालूंगी ऐसा कहती थी तू ना। घर में रहकर क्या कर रही है? खाना बनाने के लिए बावर्ची है और सब काम करने के लिए दूसरे नौकर है। तेरा काम सिर्फ खुद से नहाना और अपनी साड़ी अपने हाथ से पहनना, इतना ही है ना? एक इकलौती बेटी तुझसे नहीं संभलती है, वो गलत रास्ते पर जा रही है, तू उसे सही रास्ता दिखा। इतनी अकल नहीं है तुझमें? तू अपनी इकलौती बेटी और मेरी मान मर्यादा को नहीं संभाल सकती क्या? डैडी, इसमें भला माँ की क्या गलती है जो आप इन्हें इस तरह से मार पीट रहे हैं? उस लड़के को मैंने पसंद किया, मैंने उससे प्यार किया, शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मारना है तो मुझे मारिए। ये तू क्या बोल रही है? जब से तू पैदा हुई है मैंने कभी तुझ पर हाथ उठाया है क्या? हाँ डैडी, रोना नहीं, चुप हो जाओ बेटी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटी? हाँ, अंदर जाओ, अंदर जाओ बेटी, जाओ बेटी। दादाजी, 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 मैं आ गया। इस वक्त सो क्यों रहे दादाजी? अच्छा, मधु के घर गए थे क्या? उनके पिताजी से बात हुई? आप हंस क्यों रहे हैं दादाजी? बोलिए ना दादाजी, आपकी उनसे बात हुई या नहीं? अगर हुई? उन लोगों ने मौका दिया होता मुझे तो मैं करता, बस वो लोग ही बात करते रहे। मतलब मान गए क्या? आपके कहने पर कैसा रिएक्ट किया, उन्होंने क्या कहा? गलती से मैं राहु काल में चला गया था सोनू, और वैसे भी आजकल वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए अच्छा सा दिन देखकर आइए, फिर हम सारी बातें करेंगे, ऐसा कहकर मेरा सम्मान करके खिला पिला के भिजवा दिया मुझे। इसका मतलब मेरी शादी पक्की हो गई। थैंक यू दादाजी। ये दादाजी, दादाजी क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ, मधु के घर में वो खुशखबरी सुनकर खुशी के मारे मैं उछल पड़ा था, मैं गिर गया। दादाजी, दादाजी ये सब क्या है? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दादाजी सच बताइए, वहां पर क्या हुआ था बताइए, आपको मेरी कसम है, बताइए दादाजी। अब क्या बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहां उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए गया था, लेकिन मुझे हमारी औकात दिखाकर वापस भेज दिया उन लोगों ने। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है? धन दौलत जागीर ही उसकी नजर में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जानता एक समय तेरे पिताजी एक दिन में जितना दान धर्म किया करते थे उससे तो उसकी पूरी धन संपत्ति मिलाए तो भी उससे कम है। मेरे भाई के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है तू, और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने आ गया?
तब मधु ने क्या कहा? नहीं थी, वो शायद अंदर थी। उन्होंने घर की चौखट पर ही मेरा सम्मान करके भेज दिया। हमारे घर के गेट के सामने खड़े होकर एक मुट्ठी चावल मांगने की औकात नहीं तुझमें, और तू यहाँ अंदर आकर मेरे भाई से उनकी बेटी का हाथ मांग रहा, साले बुड्ढे। इसे ले जाकर बाहर फेंक दो, बड़ा आया रिश्तेदारी निभाने, रिश्तेदार बनता है। थू। सोनो, मैं तो अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो बेटा। माना कि वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसके घर वाले तो जंगली जानवर हैं, इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनमें। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना बेकार है बेटा। सोनू, मेरी बात सुन लो बेटा, मेरे साथ जो हुआ उसके साथ साथ उस लड़की को भी भूल जाओ बेटा, प्लीज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये तुम समझ सकते हो। सोनू, सोनू, ओ सोनू, इतने दिनों के बाद अचानक मधु की शादी का ख्याल मेरे दिमाग में आना, आयन वक्त पर आपके बेटे का अमेरिका से आना, और आज का दिन बहुत ही अच्छा होना, हमारा रिश्ता तय होना, और इस ओकेजन पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का यहाँ होना, ये हमारी खुशनसीबी है, शुभ संकेत है। ये तो हमारी खुशनसीबी है भाई साहब, आप जैसी फैमिली के साथ कोशिश किए बिना ही रिश्ता तय होना, ये तो मेरे बेटे का नसीब है। ये क्या कह रही हो बेटी, कोई भी बाप अपनी बेटी का भला चाहेगा उसका बुरा नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए ही उन्होंने ये रिश्ता तय किया। ये सब झूठ है मम्मी, अपनी इज्जत के खातिर, रुतबे के खातिर उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, कैसे बाप है वो। देखिए, मैं आप सबसे आखिरी बार कह रही हूँ, एक से प्यार करके दूसरे के साथ मैं अपना संसार हर किसी नहीं बसा सकती। मेरे दादाजी शादी की बात करने आए थे और तुम लोगों ने उन पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं। बेचारे बूढ़े इंसान को तुम लोगों ने बेरहमी से मारा, तुम लोग इंसान नहीं हो। ए, उन्हें क्यों मारा, दम है तो मुझे मारो, कम ऑन, मारो मुझे। छोड़ दो उसे, तुम लोग हट जाओ, आज इसके जान लेकर मैं इस फंक्शन की शान बढ़ाऊंगा। मारिए डैडी, रुक क्यों गए, पहले मुझ पर गोली चलाइए उसके बाद इस पर। मधु, देखिए ये एक बाप और बेटी के बीच का मामला है, आप लोग बीच में मत पड़िए। सब लोग सुनिए, जो मुझसे शादी करने आया है उसे भी बताना चाहूंगी, ये शादी मुझे पसंद नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिंदा रहे तो शादी करेंगे वरना अपनी जान दे देंगे। मधु। हाँ जारी, आपको ये पसंद नहीं है फिर भी मैं इसी से शादी करूंगी, मुझे आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, आप मेरा नाम भी इस परिवार से मिटा दीजिए, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दीजिए, मैं खुद को अनाथ समझ कर इसके साथ चली जाऊंगी, और अगर इस वजह से आपकी इज्जत जाती है तो हमें मार दीजिए। सॉरी बेटी, मुझे नहीं पता था तुम इतना चाहती हो, मुझे लगा कि इस उम्र में होने वाला जनरल इन्फेचुएशन है, लेकिन तुम इसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो, इसका मतलब योर लव इज रियली ग्रेट, आई अप्रिशिएट यू। पत्रो, मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को देखकर आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी में सिंसियरिटी नजर आ रही है, मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है,
अपने प्यार की खातिर, अपने प्रेमी की खातिर अपने जान निछावर करने वाली प्रेम की देवी नजर आ रही है। इसके मन में जो प्यार है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो सच्चा है और पवित्र है। मेरी बेटी तुम पर भरोसा करके सब कुछ छोड़कर जाने को तैयार है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारी सिंसेरिटी मुझे कैसे पता चलेगी? तुम मेरी बेटी के जेवर देखकर या उसकी धन दौलत देखकर उससे प्यार किए मुझे पता तो चलना चाहिए। तुम इसे धन दौलत दो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम कम से कम इसे दो वक्त की रोटी तो दे सकते हो। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम इसे ऐसी कार में घुमाओ, कम से कम रिक्शा में तो घुमा सकते हो कि नहीं? कलर टीवी खरीद कर तुम इसे दोगे तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है। बालकनी का टिकट तो छोड़ दो, कम से कम सेकंड क्लास का टिकट खरीद कर मेरी बेटी को फिल्म दिखाने की औकात है क्या तुम्हारी? डैडी सिंगापुर जाना है, डैडी मॉरिशस जाना है कहती थी, तो मैं उसे एग्जीक्यूटिव टिकट देकर फ्लाइट में भेजता था, स्टार होटल में ठहराता था, बर्थडे गिफ्ट में उसे ऐसी कार देता हूँ, रोज एक ड्रेस के साथ उसे मैं मैचिंग वॉच भी दिलाता हूँ। ये सारा ऐशो आराम छोड़कर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? ये जो झूमर तुम्हारे सामने बिखरा पड़ा है उसकी कीमत है 25 लाख, मैंने एक सेकंड में बर्बाद कर दिया। अपनी जिंदगी में तुमने इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे होंगे। अगर तुम मेरी बेटी से सच्चा प्यार करते हो और अगर तुम मेरी बेटी के साथ साथ फेरे लेना चाहते हो, तो अपने फटे हुए चप्पल उतार कर इस 25 लाख के टूटे हुए झूमर पर 10 कदम नंगे पांव चलकर दिखाओ, तब मैं खुद तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान करूंगा। कम ऑन। क्या हुआ, डर गए क्या? प्यार का भूत उतर गया? कदम भी ठीक से नहीं चल पाए, तुम क्या प्यार निभाओगे? कांच पर चलने से जितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है, मेरी बेटी को तुम्हारी गंदी बस्ती में चलता देखकर मुझे भी उतनी तकलीफ होगी। सात कदम तो क्या, मैं मधु के लिए 7 समंदर भी पार करके जा सकता हूँ। तुम्हारे पापी हाथों से मेरे पैर धोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्यादान कर देना, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, देना। सोनू, उठो। ये क्या हुआ सोनू, ये क्या हुआ तुझे सोनू? सोनू, सोनू कैसा है दादाजी? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटी, सब तकदीर का खेल है। नहीं दादाजी, इस सब की वजह मैं हूँ। अब
मेरा जीना मरना सब सोनू के साथ ही। मैं सब कुछ छोड़कर सोनू के पास आ गई हूँ दादाजी। हाँ दादाजी, मेरे घर वाले जबरदस्ती किसी और के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए मैं भाग के चली आई। सोनू, हे सोनू, देख तुझे मिलने कौन आई है। मधु आई है। सोनू, अरे ऐसे लेटे क्यों हो, उठो, उठ जाओ। ध्यान से। तुम्हारी खातिर अपना घर, घर वाले सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई है। उन्होंने जो जख्म हमें दिए हैं वो तो मरहम लगाने से भर जाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसे जख्म देंगे जिस पर दवा भी काम नहीं करेगी। हम उनका घमंड, उनके अहंकार को मिटा देंगे। तुम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाओ और जाकर शादी करके बच्चे होने के बाद ही उन्हें अपनी शक्ल दिखाना, फिर देखूंगा वो सर उठाकर कैसे जी पाएंगे। अब ज्यादा मत सोचो, हिम्मत से आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद और भगवान का हाथ तुम्हारे सर पर हमेशा रहेगा। नाच लो, झूम लो, ये सभी जान लो, प्यार का फूल खिला। दिल की जो चाह थी पूरी वो हो गई, साथी प्यारा सा मिला। प्यार मैंने तुमसे किया, ये दिल अपना तुझे दे दिया। अब तक ये दिल तरसा, आसमान से प्यार बरसा। देख ले, देख ले, ये तो प्यार की जीत है। प्यार की राह में चलना प्रेम की रीत है। नाच लो, झूम लो, ये सभी जान लो, प्यार का फूल खिला। अरे दिल की जो चाह थी पूरी वो हो गई, साथी प्यारा सा मिला। साजना पूरा मेरा, तू जो मेरा, अब तो कभी मेरी सनम टूटेगा ना ये सिलसिला। आया समा मस्ती भरा, तेरे बिना दिल ना लगे। चुपके से तू अगर आ मिले, दिल में मेरे अरमां जगे। तुमने मुझे दिल से चाहा, मैं भी तुम्हें चाहूं सदा। मैं भी तो हुआ हूँ जानम, तेरी हर अदा पे फिदा। ले लो, ले लो, मेरे सासे तुम्हारी सनम। तेरी नदाओं पे छाना दिल मेरा खो गया। मिल गया प्यार का हमको गीत है ये नया। नाच लो, झूम लो, ये सभी जान लो, प्यार का फूल खिला। अरे दिल की जो चाह थी पूरी वो हो गई, साथी प्यारा सा मिला। जाना नहीं तू तो कभी मेरे सनम, अब दूर हाँ सितम करे दिल पे मेरे, ऐसा कभी दिन आए ना। जीना नहीं तेरे बिना मेरे सनम,
से जुदा होना मेरा दिल मानेना। मैं ये जान तुझको दूंगा कभी आजमा तो ले। तुझे बिन जी न सकूंगी कैसे कहूँ तुमसे पिया। तू जो बोले तू जो चाहे होगा वो यहाँ। तुझसे अब तो साजन दूर रहना नहीं, प्यार का देवता मैं तो तुमको ही मानती। नाच लो झूम लो ये सभी जान लो प्यार का फूल खिला। हाय दिल की जो चाह थी पूरी वो हो गई, साथी प्यारा सब मिला। प्यार मैंने तुमसे किया ये दिल अपना तुझे दे दिया। अब तक ये दिल तरसा आसमान से प्यार बरसा। देख ले ये तो प्यार की जीत है। प्यार की राह में चलना प्रेम की रीत है। तुमने अपने पिताजी को बिना बताए उससे शादी कर ली, इसलिए उन्होंने परेशानी में ये सब किया बेटी। तुम्हें ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था बेटी। हाँ बेटी, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं जानती हो ना। माना कि हमने जो किया वो गलत है, अगर हमसे नाराज हो तो सजा दो, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो मधु। 3 दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया, ये बात हमने तुम्हारे पिताजी से छुपा कर रखी है। उन्हें पता चला तो न जाने क्या करेंगे। लो खा लो बेटी। अरे इस तरह सबको रुलाकर खुद भी रोकर भूखा रहकर क्या हासिल कर लोगी। देखिए जी आप चुप रहिए, खाओ ना, मेरी बेटी हो ना, एक निवाला खा लो बेटी। अगर किसी ने भी आगे आने की हिम्मत की तो मैं खुद को जला डालूंगी। ए, बहुत हो गया, चलो उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है सर। ए, दयानाथ सर कर साइन कर। कमाल है, मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसलिए इनके हाथों से पिटवाया, फिर भी तेरी चर्बी कम नहीं हुई। सीधी तरह साइन कर नहीं तो रात भर पिटता रहेगा। क्यों साइन करवा रहे मुझसे? लगता है वजह बताए बिना साइन नहीं करेगा। बताओ रे। ए, हमारे होम मिनिस्टर की हत्या के पीछे तुम्हारा हाथ है। उनकी हत्या मैंने की है ऐसा तुम्हें कबूल करना होगा। इसलिए पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करते वक्त हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है ना, इसीलिए। इसके अलावा चेन्नई की जेल से कैदियों को फरार करवाने में तुम्हारा ही हाथ है, ये प्रूफ हुआ है। कंधार एयरपोर्ट से जो इंडिया का प्लेन हाईजेक हुआ था, उन हाईजेक करने वालों में से तुम भी एक हो। हो गया या और भी कोई वजह चाहिए? हरीश चंद्र प्रसाद की बेटी को लाइन मारता है तू? ए हाथ पकड़ो रे इसका, अब दिखाता हूँ कैसे साइन नहीं करेगा तू। पकड़ो इसको। अब बताइए मेरे पोते पर कौन सा केस दर्ज करेंगे? किडनैपिंग का केस दर्ज करेंगे?
रेप का केस दर्ज करेंगे या फिर टेररिज्म का केस दर्ज करेंगे, बताइए। अगर कोई केस ही दर्ज करना है तो मुझ पर कीजिए। मेरे बेकसूर पोते को अरेस्ट करके सेल में बंद कर दिया है, केस तो आप पर दर्ज करना चाहिए। प्यार करके शादी करने पर मेरे पोते को पीट कर उसकी पत्नी को ले जाने वाले उन लोगों पर केस दर्ज करना चाहिए। अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। सर जी, हाँ, सीआईओ से क्या बात कर रहे हैं? अरे कुछ खास नहीं है, उस बूढ़े की स्टोरी बहुत अच्छी है इसीलिए। अब उन्होंने उससे किस भाषा में बात की, संस्कृत में क्या? नहीं रे, बंगाली में। बंगाली? इस भाषा का ज्ञान उसे कहाँ से हुआ? कर्नाटक में लोग बंगाली भी बोलते हैं। मतलब कर्नाटका में लोग बंगाली भाषा भी बोलते हैं? हाँ? अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आपकी बताई हुई स्टोरी सेम टू सेम, फ्रेम टू फ्रेम किसी निर्माता को अगर बता दी जाए तो फिल्म सिल्वर जुबली मनाएगी। बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, ट्विस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने जो भी कुछ बताया वो आपको कहानी लगती है? हिट कहानी है, ये कह रहा हूँ। कहानी सुनाने का या बकवास करने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच है। यकीन नहीं होता तो उसे जाकर पूछ लीजिए। पूछूंगा, कल ही उस लड़की के घर जाकर सारी सच्चाई जानूंगा। अगर उसने बताया कि आपकी बताई हुई स्टोरी रील नहीं, रियल स्टोरी है, उसके परिवार वाले दोनों को जुदा करना चाहते हैं, ये सच है, अगर उसने मुझे ऐसा बताया, तो उसकी जात का कोई भी बीच में आए, उस लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाकर आपके पोते के हवाले करके आपके कहने के मुताबिक उन्हीं पर केस दर्ज कर दूंगा। और अगर ये स्टोरी पूरी बंडल है, पायरेसी सीडी के टाइप की है, अगर उसने मुझे ये बताया तो तुम दोनों का जॉइंट निकाल कर फिर दोनों की बॉडी को जॉइंट करके बोरी में बांधकर नाले में फेंकवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई एम बलराम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। थैंक यू। बताइए क्यों आए हैं? कुछ काम है इसलिए आया हूँ। परसों 12 तारीख को आपकी बेटी को किसी सोनू नाम के लड़के ने किडनैप किया, ऐसा केस दर्ज किया था ना? अब उस लड़के के दादाजी आकर आपकी लड़की की किडनैपिंग की कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। उनका कहना है कि उनका पोता और आपकी बेटी दोनों बालिग हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए आप जबरदस्ती उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के को बेरहमी से मारकर उल्टा उसी पर केस दर्ज कर दिया, ऐसा कंप्लेंट किया है। ये सब बिल्कुल झूठ है सर, उसने पैसों के लिए मेरी बेटी का किडनैप किया था। मतलब उन पर यकीन करके आप हम पर कार्रवाई करने आ गए क्या? क्यों सर, आपकी बात पर यकीन करके मैंने उसे अंदर नहीं किया क्या? ड्यूटी तो बताइए हम लोगों को क्या करना होगा? अब क्या है सर, सारी बातें झूठी है, खुद आप ही तो कह रहे हैं। ये सेम चीज आपकी बेटी अपने मुंह से कह दे तो बहुत है। कल एक बार अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाइए। ये क्या बात हुई, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं अगर हमारे घर की औरत पुलिस स्टेशन चली गई तो हम सर उठाकर जी पाएंगे क्या? किसी को अगर पता चला तो उससे कोई शादी करेगा क्या? हम कोई ऐरे गहरे लोग नहीं है, आप कुछ बोलिए ना भाई साहब। आप ऐरे गहरे लोग नहीं है और स्टेशन में आने से आपकी इज्जत जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी बेटी का किडनैप करने वाले पर केस क्यों किया? चुप रहना चाहिए था ना, जवाब क्यों नहीं देते? उस वक्त आपको पुलिस की जरूरत महसूस हुई क्या है? आप लोग बहुत ही इज्जतदार लोग हैं और हम लोग आपकी नजर में गए गुजरे लोग हैं। काटने वाले कुत्ते को डर के मारे सलाम करते हैं, डसने वाले सांप को नाग देवता मानकर पूजा करते हैं और दूध पिलाते हैं, लेकिन बचाने वाली पुलिस को और रक्षा करने वाली पुलिस स्टेशन को सिर्फ ब्रोकर की तरह नीच और घटिया नजरों से देखते हैं। वो बात नहीं है सर, उसका कहने का कोई बात नहीं है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ नीच कमीने कुत्ते लोग हैं, चंद रुपयों के लिए अपने फर्ज से गद्दारी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम सभी को गिरी नजरों से देखते हैं। ओके, आपकी पुलिस स्टेशन में आने से इज्जत जाती है, लेकिन मंदिर में आने से तो कोई एतराज नहीं होगा ना? आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे आपकी बेटी को लेकर बालाजी के मंदिर में आ जाना, मैं वहां उस लड़के को भी ले आऊंगा। भगवान के सामने, बड़े लोगों के सामने, आपके सामने और हमारे ब्रोकर पुलिस वालों के सामने भगवान की कसम दिलाकर, अगर वो कह दे कि उसका उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, कोर्ट में भी ना जाए, इस तरह से केस बंद कर दूंगा। चलता हूं। नो थैंक्स,
कल मंदिर में मुलाकात होगी। मर जाऊंगी लेकिन हर किसी ऐसा नहीं कहूंगी। भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी की थी, अब उसी भगवान के सामने झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी तो तुम्हारी पिताजी की इज्जत, चाहे पिताजी की इज्जत चली जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, सोनू से मेरा रिश्ता नहीं, मैं हर किसी नहीं कहूंगी। क्यों, तुम पिताजी के साथ जिंदगी नहीं गुजार रही हो क्या? चाचिया चाचाओं के साथ खुशी की जिंदगी नहीं गुजार रही है क्या? तुम लोग सब अपने पतियों के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रही हो तो मैं अपने पति के साथ रहूं, इसमें बुराई क्या है? अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके में रहने वाली अपनी बेटी को समझाकर उसे ससुराल में भेजने वाले माँ बाप को देखा है, लेकिन जो पत्नी खुद ससुराल जाना चाहती है उसे जाने से रोकने वाले सब हाँ। जैसे कि वो मैसूर का बहुत बड़ा राजा है ना। चाहे मेरा पति मैसूर का राजा ना हो या जयपुर का युवराज ना हो, लेकिन वो आपके पति की तरह किसी इंसान की जान तो नहीं लेते ना। हे भगवान, पराए इंसान के लिए तू हमसे ऐसा कह रही है? सिर्फ यही पर नहीं, कल मंदिर में सबके सामने कहूंगी कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा मुझे अपने पति से अलग करके किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर करने वाले पक्के ब्रोकर हैं। क्या कहा तूने? तुम नहीं जानती बेटी, इसकी वजह से कल फिर मुझे उस लड़के का मुंह देखना पड़ेगा। तुम चाहे कल उसके मुंह पे थूको या ना थूको, चाहे मेरी इज्जत ही चली जाए, तुमने जो कहना था कह दिया, इसके लिए ये तुम्हें मारेगी क्या? हट जाओ बेटी। अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी तो मैं इसे जान से मार दूंगा, इसलिए ये तुम्हें मार रही है बेटी। जो तुम्हारा दिल करे कल वो तुम बोल देना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डैडी, माँ को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। माँ को छोड़ दीजिए डैडी। भैया छोड़ दीजिए भाभी। भाई साहब, इसने कहा ना आप जो कहेंगे वही वो करेगी, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत जान से प्यारी है। कल मेरी बेटी जब तक उस लड़के से संबंध नहीं है ऐसा नहीं बोलेगी, तब तक तुम अपनी भाभी का इलाज नहीं कराओगे और ना ही उसे पीने के लिए कोई पानी देगा, समझ गए ना? सॉरी मम्मी, मेरी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। डैडी जो कहेंगे मैं वही करूंगी मम्मी। सर 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 चुप। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सेल की चाबी देकर तुम सभी चुपचाप 10 मिनट बाहर जाकर बैठो, उसके साथ मुझे थोड़ा काम है। सर सर, हमारे साहब को पता चला तो हमारी नौकरी चली जाएगी सर। सस्पेंड नहीं सर, सीधे डिसमिस कर देंगे सर। हमारे सीआई साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर। तुम्हारा काम रहे या चला जाए, मैं तुम लोगों की तुम्हारी सर्विस से ज्यादा पैसा दूंगा। हाँ? एक एक को बढ़िया सा फ्लैट दिलवा दूंगा। तुम लोगों पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, डेड बॉडी भी यहां नजर नहीं आएगी। वो यहां से जेल तोड़कर भागा और एक्सीडेंट में मारा गया, साबित करूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये भी हरिश्चंद्र प्रसाद की कोई चाल है क्या? हाँ कोई बात नहीं, बस शक दूर करना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता तुझे, इसे बाहर लेकर जाओ। यस सर। सर ये लीजिए चाबी, हम बाहर बैठे हैं सर। आप खड़े क्यों, बैठो ना, अब हम सब एक हैं, पार्टनर हैं।
समझ में नहीं आता उस लड़के को मारने में उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। उसे लड़का मत कहिए, उसने हमें ही झटका दिया था समझे। जब तक उसका काम हो रहा है हम भी अपना काम कर लें क्या, क्या चाय पी लें क्या, पैसे की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया है, तो फिर अंदर चलें क्या। हाँ चलिए, ठीक है चलो चलो। ए बैठ जा। मैंने कहा ना बैठ जा। डेड बॉडी यहीं छोड़कर सारे के सारे भाग रहे हैं। अरे ये क्या चोरों की तरह भाग रहे हैं? अरे रे रे, ये चोरों की तरह क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ? बाहर से कुंडी भी लगा दी, वो अंदर है। कौन है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, आज तो अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अरे अंदर कैसे पहुंच गया? मुझे क्या पता, शायद जब हम चाय पीने गए तभी गया होगा। ए, तुम ही लोगों से कह रहा हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ। हम सभी लोग एक ही फैमिली के हैं, हमारे बीच कोई भी झगड़ा लफड़ा हो हमें आपस में ही सुलझाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो बेकार में बवाल खड़ा हो जाएगा और अपनी ही इज्जत जाएगी, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधी तरह से अंदर आ जाओ। आप हमें मारना नहीं साहब। वो तो होना ही है, जल्दी से आओ। तुम लोग आ रहे हो या मैं बाहर आऊं? आ गए? हाँ। दरवाजा बंद कर दो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी टोपी उतार कर टेबल पे रख दो, शर्ट भी उतारो। उतार रहा हूं। बेल्ट भी निकाल दो। ये भी उतार रहा हूं सर। सर, इस ठंडे से बहुत जोर की लगती है सर। जोर से लगे तभी तो लिया है। क्या? सर क्या हुआ, सीने में आग लग गई? यही आग यही जोश अपनी ड्यूटी में दिखा साले कमीने। ए, तू जैसे बिकाऊ लोगों के डिपार्टमेंट में होने की वजह से पुलिस का दिल से सम्मान करने वाले लोग हमें देखकर हमारे पीछे हमारी बुराई करते हैं, थूकते हैं हम पर। ए, तेरी आंखों के सामने कोई बाहर वाला आकर अपनी कस्टडी में होने वाले किसी को मारता है तो ऐसा लगता है जैसे शादी होते ही तेरे साथ रहने की बजाय तेरी बीवी किसी और के साथ रह रही है। ए, सर सर, मुझे मत मारिए, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है। अगर ये खराब हो जाए तो दूसरी स्पेयर वाली चालू कर सकते, नहीं मिली तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग कानून के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम लोग अपनी जान देते? बोलो। सर,
खड़े होके डाल दे। ए, अगर फिर से ऐसी गलती दोबारा दोहराई तो जान ले लूंगा तुम्हारी। कल सुबह मेरे थाने में आने से पहले वो दीवार, वो दरवाजा और यहाँ का टोटल फर्नीचर पहले जैसे था सेम टू सेम वैसे ही होना चाहिए। समझ गए ना? गुड, अब अपना यूनिफॉर्म पहन लो। क्यों भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा तुम्हें बचाने का मकसद कोई इंसानियत वगैरह नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। और याद रखना, अगर कल मंदिर में उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहा तो मां कसम तुम्हें भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट दूंगा। ऑल द बेस्ट, सो जा बेटा। ओम 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 नमः 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 ओम नमः ओम नमः ओम सरस्वामितटेजुषे नमः ओम कुमाराकल्पसे व्याज नमः ओम वज्रदृक्षजाय नमः श्रियकान्ताय कल्याण निधजे निधजे अर्थिनाम् श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारवेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम्। मधु इधर आओ। देखो ये एक पवित्र जगह है, यहां तुम्हें अपने मां बाप से, पुलिस वालों से, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस ज्योत पर हाथ रखकर भगवान को साक्षी मानकर जो सच है वो बेफिक्र होकर बताओ। ए, कल मेरी बेटी उस लड़के से संबंध नहीं है जब तक नहीं बोलेगी, तब तक तुम अपनी भाभी को हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे और ना ही उसे पीने के लिए पानी दोगे, समझ गए ना? इस अग्नि को साक्षी मानकर, मेरे माता पिता को साक्षी मानकर, इस भगवान को साक्षी मानकर मैं सच कहूंगी, सोनू से मेरा रिश्ता है, उसी ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। बोलो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात सच है। मेरे पिताजी हमारी शादी नहीं होने देते इसलिए हमने भाग के शादी की, ये बात भी सच है। हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, हमें अलग करने के लिए मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, ये बात भी सच है। सोनू का नाम मैंने अपने हाथ पर लिखवाया था तो इन्होंने कसाई की तरह मेरा हाथ काट कर उसका नाम मिटाना चाहा, ये भी सच है। ये देखिए, सोनू ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था तो इन्होंने जबरदस्ती तोड़ दिया, उसका निशान देखिए। मेरे पिताजी ने मुझसे झूठ बुलवाने के लिए मेरी माँ को बहुत मारा, जान से मार दूंगा कहकर डराया, ये बात भी सच है। मैंने आपको सच बताया इसलिए वो मेरी माँ को मार डालेंगे सर, मेरी माँ को बचा लीजिए सर, मेरे और मेरे पति की रक्षा कीजिए सर। अरे, ये क्या कह रही है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की पागल है क्या, जो मुँह में आया बके जा रही है सर। दरअसल ये लड़की कौन है, प्रेम कहानी क्या है, ये मधु कौन है, मैं कुछ नहीं जानता सर। मेरा नाम संजय प्रसाद है सर। ए, ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ सर, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं और इससे पहले मैंने कभी इसे देखा भी नहीं है सर। ए, ये मंदिर है। जानता हूँ सर, ये मंदिर है ये जानता हूँ सर, यहाँ भगवान है ये भी जानता हूँ और आप सीआई हैं ये भी पता है, लेकिन ये कौन है ये नहीं जानता। ए, तो फिर तेरे दादाजी ने तू इसे भगा कर ले गया और तुम दोनों ने शादी की, ऐसा क्यों कहा? ये आप मेरे दादाजी से पूछे सर,
उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसके कहने पर कहा, जाकर उन्हीं से पूछिए सर। मेरा दादाजी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। इस केस से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इस लड़की से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। इस मामले में मुझे मत फंसाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। देवी ओ पार्वती, तुम्हारी पूजा करने की बजाय मैंने तुम्हें जानवरों की तरह पीटा। तुम्हारे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया। इस पापी को क्षमा कर दो पार्वती, इस पापी को क्षमा कर दो। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ पार्वती, बेटी कॉलेज का बहाना करके किसी के साथ घूमने जाती थी। उसके बाद बात प्यार से शादी तक पहुँच गयी। उसका जिम्मेदार मैंने तुम्हें माना और तुम्हें भला बुरा कहा और पीटा। वो गलत राह पर चलने लगी। मुझे लगा तुमने उसका साथ दिया है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि आज वो गलत फहमी दूर हो गई पार्वती। एक मिनट में उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबके सामने उस लड़के को अपना पति मानकर सबके सामने उसने अपने पिता को गलत साबित कर दिया। उसी वक्त मैं समझ गया पार्वती, उसके इस व्यवहार का कारण तुम्हारा पालन पोषण नहीं बल्कि मेरा ही गंदा खून है। ए लड़की, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया और फूलों की तरह रखा। तुम्हारी गलती होते हुए भी मैंने अपनी देवी समान पत्नी को गलत समझकर उसे। रुक जाओ, तू मुझे नहीं जानती। इतना मारने के बाद भी वो मुझ पर विश्वास करती है, इसलिए मेरे साथ जीवन बिता रही है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो मेरे जुल्म से तंग आकर किसी फूल वाले या दूध वाले के साथ। रुक जाइए। तुझे जान से मार कर एक और बच्चा पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी दोबारा इस जन्म में मुझे नहीं मिल सकती। आज तेरी वजह से मेरे घर के चिराग को अपने हाथों। रुक जाइए, इसे मारेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम नहीं समझ रही हो पार्वती, ये लड़की हमारा दुश्मन बनकर पैदा हुई है, इसे माफ नहीं कर सकता मैं। ए लड़की, आज तुझे मैं तेरी माँ की वजह से छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। मैं जिस लड़के के साथ कहूँगा, बिना कुछ बोले तुझे उसी लड़के से शादी करनी होगी। अगर तूने फिर से प्यार वगैरह का नाटक किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। चलो पार्वती, हॉस्पिटल चलते हैं। मंदिर में सीआई के सामने मैंने वही बोला जो आपने कहा। मेरी बेटी का प्यार और अपनी जान से ज्यादा तुम्हें अपने दादाजी की जान की परवाह है, मुझे पता है। तुमने मेरे घर की इज्जत रख ली तो मैं तुम पर जुल्म क्यों करूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे दादाजी पर जरा भी आंच नहीं आने दिया। वे तुम्हारे घर पर सही सलामत हैं। ये लो चाबी। दादाजी, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, पहले वहाँ क्या हुआ वो बताओ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? अब हम उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त कमिश्नर साहब के पास जाकर उनके पास कंप्लेंट दर्ज करके मधु को ले आते हैं। चलो चलो। नहीं दादाजी, आगे कोई झगड़ा ना हो इसलिए मैंने सब कुछ सेटल कर दिया दादाजी। मतलब तू दुल्हन को घर ले आया है? मधु बाहर खड़ी है। मधु? मधु नहीं आएगी दादाजी। मधु नहीं आएगी? क्यों क्यों नहीं आएगी? उसका तेरे साथ कोई संबंध नहीं है ऐसा कह दिया उसने।
बोलता क्यों नहीं है तू? उसने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा। इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए, इस मामले में मुझे मत फंसाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। शाबाश, यहां मेरे साथ रिश्ता कायम रखने के लिए तूने अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया और यहां आ गया। जो कुछ ही दिनों का मेहमान है, ऐसे बूढ़े के लिए तूने जिंदगी भर साथ निभाने वाली अपनी अर्धांगिनी को आसानी से छोड़ दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया। अरे पगले, अगर तुझे मधु मिल जाती तो उसी दिन मैं खुशी खुशी मर जाता, लेकिन अब मेरा पोता अपनी पत्नी को नहीं ला पाया, नामर्द की तरह वही छोड़कर चला आया, ये सोचकर तड़प तड़प कर शर्म से जरूर मर जाऊंगा मैं। सबके सामने मुंह खोलने पर उसकी मां की जान जा सकती है, जानते हुए भी हिम्मत करके उसने सच बताया, और एक तू है बेशर्मों की तरह बिना कुछ सोचे समझे वहां गधे की तरह सिर हिला के सच को झूठ बनाकर आ गए। कायर, तुम प्यार के लायक नहीं हो। हाँ, मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार शादीवादी कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ दादाजी, मेरे दूर हो जाने से मधु से तो सिर्फ मेरा प्यार दूर होगा, लेकिन उसके साथ प्यार बांटने के लिए माँ बाप चाचा चाची दोस्त रिश्तेदार हर कोई है दादाजी, लेकिन मेरा आप अगर दूर हो गए तो मेरा और कौन है दादाजी? उस लड़की के अलावा आप जिस लड़की से कहेंगे मैं उसके साथ प्यार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ जो प्यार बांटा है वो कोई भी नहीं बांट सकता दादाजी। कोई नहीं बेटा। प्रेमिका की याद में ताजमहल बनाया गया, ये बात तो हम सब जानते हैं। प्यार की खातिर माँ बाप से भी झगड़ कर अपनी जान देने वाले प्रेमियों की कहानी मैंने तुम्हें कई बार सुनाई, लेकिन बेटा एक बूढ़े की खातिर अपने जान से भी बढ़कर जिसे चाहते हो उस लड़की का प्यार इतनी आसानी से निकाल कर फेंकने वाला तू कोई मामूली इंसान नहीं है बेटा। दादाजी, जब तेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब मुझे लगा था मेरी सारी खुशियां उनके साथ चली गई, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खोया है। मेरा धन, मेरी संपत्ति, ऐश्वर्य, मेरे प्राण, सब सब तू ही है बेटा, सब तू ही है दादाजी। जिंदा रहे तो शादी करेंगे वरना अपनी जान दे देंगे। दरअसल ये लड़की कौन है, ये प्रेम कहानी क्या है, ये मधु कौन है, मैं कुछ नहीं जानता सर, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, और इससे पहले मैंने इसे कभी देखा तक नहीं है सर। आज तू अपनी माँ की वजह से बच गई, लेकिन आज के बाद तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। जिस लड़के से मैं तेरी शादी तय करूंगा, बिना एक शब्द बोले तू उसी लड़के से शादी करेगी। पार्वती, ए कार निकालो रे। मालकिन, डैडी चिल्ला क्यों रहे थे, क्या हुआ? बड़ी मालकिन को हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में किस लिए? उन्होंने जहर पी लिया। Excuse me, where is Mrs. Harish Chandra Prasad? She is in the ICU. ICU? Where is ICU? This side, first floor. Thank you. माँ, माँ को क्या हुआ चाचा जी? बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बताइए। चाचा जी, आप तो बताइए। चाचा जी, माँ, माँ, माँ ने ऐसा क्यों किया? बताइए ना चाची, बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है चाची। माँ ने ऐसा क्यों किया? आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? चाची, आप कुछ बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ चाची। डॉक्टर, व्हाट हैपेंड? मेरी माँ कैसी है? एक बार मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए ना डॉक्टर। नो, इस वक्त कोई उनसे मिल नहीं सकता। हर कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। होश आने तक कुछ बता नहीं सकते। इस वक्त आप बाहर चले जाइए। मैडम, आप भी प्लीज। मम्मी, तुमने ऐसा क्यों किया?
क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे पिताजी की जिद के आगे मैं कमजोर पड़ गई। अपने पति से दूर होने की वजह से रोज तुम्हें घुट घुट कर मरता देखकर एक माँ होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं अपनी आंखों से ये अत्याचार होते नहीं देख सकती और पत्नी होने के नाते रोक नहीं सकती। इस अन्याय का सामना करने से ज्यादा मुझे मर जाना ज्यादा आसान लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन कमबख्त मौत ने भी मुझे धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दो मम्मी, मेरी वजह से तुमको बहुत दुख उठाने पड़े। आगे मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पिताजी जिससे कहेंगे तुम शादी कर लूंगी, मेरा यकीन करो माँ। नमस्ते साहब। नमस्ते मुन्ना, तू डरना मत, मैं आ गया हूँ। ये लो बेल, छोड़ दो इसे। सर, उसे अरेस्ट किया आधा घंटा भी नहीं हुआ और बेल लाकर एक घंटा हो गया भाई। उसने एक बैंक मैनेजर की औरत का मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की, कोशिश कामयाब नहीं हुई इसलिए उसे मारकर भाग गया। देखो इंस्पेक्टर, अगर कोई जुर्म करता है तो मुजरिम को पकड़कर अंदर डालना ही आपकी ड्यूटी होती है। थैंक्स। उसके बाद एक बेल होती है, एक कोर्ट होता है, एक आर्गुमेंट होता है, एक जजमेंट होता है। उसने मंगलसूत्र छीना क्या, मारकर भागा क्या, ये तुम्हारा नहीं कोर्ट का काम है। बड़ी मेहनत से पकड़ा, वेल एंड गुड। केस करके बेचारे को जेल में डाल दिया, वेल एंड गुड। अब हमारा काम हमें करने देंगे तो और भी वेल एंड गुड होगा। अरे देखो भाई, अब तुम एक लॉयर को कानून का पाठ पढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। इट्स टू मच। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारे नए सीआई हैं। ओ आई सी, आई एम खोटे द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर। ग्लैड टू मीट यू सर। उसके बेल पेपर है। ये क्या है सर, अब तक तो मैंने इससे पूछताछ भी नहीं की। काहे की पूछताछ, हां काहे की पूछताछ करेंगे। सी मिस्टर सीआई, एक लड़की को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर आखिर में उसका कन्यादान करके विदा करने एक पिता का फर्ज होता है। उसके बाद उसका पति उसके साथ जीवन बिता रहा है, उसे मार कर रुला रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, उससे धंधा करवा रहा है, इन सब चीजों से कोई मतलब है? इसी तरह सोने की दुकान में आने वाले ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें सोना देना ही दुकानदार का काम होता है। उसके बाद वो चैन बनाता है या कंगन बनाता है या दोनों कानों की बालियां बनाता है या अंगूठी बनाता है, इन सब चीजों से दुकानदार से कोई मतलब है? द सेम वे ऐसे लोगों को पकड़कर हमारे हवाले करना उतने तक ही आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। उसके बाद हमारा काम हम देखते हैं और कोर्ट देखता है। अब ऐसे में हमारा काम भी आप लोग ही करेंगे तो कैसा चलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ डेयर यू, एक लॉयर को मारते हो? छोटे साहब जी, मैं एक पढ़ा लिखा और संस्कारी आदमी हूँ। वहाँ बाहर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है, अंदर आ जाइए। जस्ट 4-5 फटके देकर छोड़ दूंगा। क्या ऐसे कह रहे हो जैसे दावत पर बुला रहे हो? पुलिस और लॉयर मेड फॉर ईच अदर है, ठीक पति पत्नी की तरह। पति के थोड़ा चिल्लाने से पत्नी रूठती है और दो फटके लगाने से रोती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोड पर जाकर अपने पति को तुम नीच हो, तुम कमीने हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, इस तरह के बकवास करती है। तो उनके दिमाग को ठंडा करने के लिए डंडा उठाना ही पड़ता है। इसीलिए बेकार में बात को ना बढ़ाते हुए अंदर आकर सिर्फ दो फटके खाकर चले जा। आइए ना सर, मैं लॉयरों की बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मुझे मारा? सभी लोग अपनी पत्नी को मारते हैं क्या? कांदे को बटाटा बोलने पर, बटाटे को टमाटर बोलने पर ही मारते हैं। इसी तरह सभी लॉयरों को नहीं मारा जाता। आप जैसे कल की डेट के बिल पेपर साज दिखाकर जबरदस्ती कानून का गलत इस्तेमाल करते उन्हें मारता हूँ। अब सीधी तरह आप अंदर आएंगे या आप चाहते हैं कि मैं खुद बाहर आऊँ? तू क्या आएगा? कल मैं खुद आकर तुझे देख लूंगा, तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। तब तक तू रहेगा क्या? क्या जान से मारेगा क्या तू? अभी बताता हूँ। वो लाठी देना। ये लीजिए सर। क्या करेगा तू? तू सीधी तरह अंदर आ गया तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, और माँ कसम अगर मैं बाहर आ गया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। ऐसी मार मारूंगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, दम है तो आजा, आजा। साले, अबे आजा ना। जात भी दिखाता हूँ तुझे। अरे तू आ रहा है सचमुच में?
ये तो गया काम से। कोई फायदा नहीं है, मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं मैराथन की दौड़ का विनर हूँ, अब सीधा कोर्ट पे मिलूंगा। हनुमान पकड़ उसे। छोड़ दो मुझे, जेल भेज दूंगा। क्या बोला? अरे अरे मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या बोला? भर्ती उतरवाएगा। एक लाल को मारना। नहीं नवेली, दुल्हन की तरह तुझे मैंने प्यार से समझाया, फिर भी बात रास्ते पर ले आया, अब तो नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। क्या कहा था तूने? क्रिमिनल को अरेस्ट करना ही सिर्फ हमारी ड्यूटी है, उसके बाद तुम्हारे हवाले करना चाहिए, और ऊपर से हर चीज का उदाहरण देता है। अब दे साले, अब दे। माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं। मुसीबत के वक्त जब कोई फोन करता है, तब चाहे बीवी बाजू में हो या बच्चे अस्पताल में हो, फिर चाहे सुबह हो या आधी रात हो, मुजरिमों को जाकर पकड़ते हैं। वो तुम्हें फालतू लोग लगते हैं क्या? अरे बस 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 मारो यार, अब कितना मारेगा? छोड़ दे रे। चुप रहने पर पुलिस किसी काम की नहीं है, ये कहकर उन्हें बदनाम करते हो। पकड़े जाने पर बेकसूर का इनकाउंटर कर दिया कहकर तब भी बदनाम करते हो। इधर आ साले, तुझ जैसे लॉरियों के दम पर मर्डर करने वाले डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं, फलाने जगह पर मर्डर किया है, फलाने जगह पर मैं ठहरा हूँ, आकर अरेस्ट कर लो। आधे घंटे में मेरा लॉयर आकर मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। कहते रॉस्कल, पैसे देकर मुजरिमों को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई स्पेशल स्कीम या कोई धंधा चल रहा है क्या? दूसरा केस भी लड़ना है। पुलिस स्टेशन में गलत बेल लाकर एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करते हैं, तू वाकई लॉयर है क्या? अरे मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं भी क्रिमिनल हूँ। आपकी बात मेरे भेजे में बैठ गई है, अब और पड़ेगी तो मैं मर जाऊंगा। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भाई, मुझे माफ कर दे। सुधर जाने में ही तेरी भलाई। अरे ये क्या कर दिया, तुम्हारी मार को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। दरवाजा क्या कहा? अरे कुछ नहीं कहा भाई, जाओ कुछ नहीं कहा। मैं अभी इधर ही हूँ, चला जाऊंगा भाई। वापस दूं क्या? आई एम गोइंग, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे चलो। स्टॉप स्टॉप सर, सर सर, ये क्या सर? इसे आपने रामालय समझा या शिवालय समझा है जो सीधा अंदर आ रहे हैं? ये पुलिस स्टेशन है सर, कोई लॉज नहीं है। आप जैसे बिग शॉट्स और ऐसी हाई फाई लेडीजों को यहाँ नहीं आना चाहिए सर, बहुत चीप लगेगा। We are all sorry सर, लगता है आप अब भी हमसे नाराज हैं। आप तो जानते ही हैं, न्यूज़पेपर में संडे मैगजीन बुक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में लॉकअप डेथ की न्यूज, रेप की न्यूज हर दिन के लिए कॉमन होता है। इस बात से पुलिस स्टेशन या पुलिस वालों को लोग गिरी हुई नजर से देखते हैं। हमें भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारी गलत फहमी दूर हो गई। हर थाने में आप जैसा ऑफिसर होना चाहिए। थैंक यू सर। क्या मैडम आप भी सेम फीलिंग लेकर आई हैं, या फिर पुलिस स्टेशन जैसे नापाक जगह से होकर गए हैं बोलकर घर जाकर नहाकर कपड़े बदलेंगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक, आइए सर, प्लीज कम इन, बैठिए। बोलिए, कैसे आना हुआ? आपकी दया से मेरी बेटी की शादी तय हो गई। कांग्रेट। थैंक यू सर। ये शादी इतनी जल्दी और बिना किसी रुकावट के होने का मुख्य कारण आप ही हैं सर। मेरी बेटी की शादी के चीफ गेस्ट आप ही हैं। आप और आपका स्टाफ यूनिफॉर्म पहनकर नहीं, हमारे रिश्तेदार की तरह आइए। क्यों, यूनिफॉर्म से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है आप फिर नाराज हो गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मजाक कर रहा था। वैसे वो लड़का क्या करता है? यूएसए में रहता है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, वहाँ से अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चलाता है। बाप रे, मतलब डॉलरों में कमाता है। Thank you.
नमस्कार। आइए बेस्ट ऑफ लक अमेरिका के दूल्हे राजा, जिस लड़की की पहले ही मुझसे शादी हो चुकी है उससे दोबारा शादी करने के लिए तुम अमेरिका से इंडिया पहुंच गए, वहां और कोई नहीं मिली क्या? ए, गाड़ी रोको, तुम लोग भी रोको। अच्छा हुआ शादी से पहले ही इस लड़की का असली रूप सामने आया। शादी के मंडप में जाने से पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा और क्या क्या सुनना पड़ेगा। आपका शुभ चिंतक शैलेश प्रताप मित्रा मंडल। बस अब बहुत हो गया, ए चलो गाड़ी पीछे लो। डैडी, इस पैम्पलेट से लड़की का कैरेक्टर फाइनल करेंगे तो हमारा कैरेक्टर बदनाम हो जाएगा। तुम क्या कहना चाहते हो? ये भी हो सकता है इस लड़की ने उस लड़के को मना कर दिया हो, इसलिए उस लड़के ने ये हरकत की हो। चार अक्षरों की वजह से हम उसे ऐसे छोड़ दें, कहाँ का इंसाफ है डैडी? तो बताओ हम क्या करें? पहले हम वहाँ चलते हैं। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, जल्दी करो। हाँ? नमस्ते अंकल। नमस्ते भाई साहब, आओ बेटा आओ। नमस्ते बहन। नमस्ते बहन। नमस्ते। आइए ना, बस कीजिए। अंकल मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। यहाँ नहीं, वहाँ चल के करते हैं, आइए। ठीक है चलो। पता नहीं, इसे एक बार देखिए। तुम्हें ये सच लग रहा है? सच लग रहा होता तो हम यहाँ नहीं आते। ये हमें बदनाम करने के लिए एक चली गई चाल है। इस लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसमें आपके साथ संबंध ऐसा नहीं लिखा है, इस लड़के का आपकी लड़की के साथ संबंध ऐसा लिखा है। ये सब झूठ है भाई साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। बेटा ये शादी रुकवाने की किसी की साजिश है। देखिए अंकल, आपके और आपकी बेटी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस मंडप में मौजूद मेरे सभी रिश्तेदारों और सभी गाँव वालों के हाथ में ये पैम्पलेट है, सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? Excuse me, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। आप कौन? I am बलराम, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। कहिए। इनकी फैमिली के बारे में, इनकी बेटी के बारे में और फोटो में जो लड़का है उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। ये सब बकवास है, आप बेफिक्र होकर मधु से शादी कर सकते हैं। देखिए मिस्टर बलराम, ये सब बकवास है ये मैं भी जानता हूं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को ये झूठ है ये कैसे यकीन दिलाऊं? मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूं? बताइए ना। Yes, I can understand your problem. वो लड़का अगर कहे कि उसका मधु से कोई संबंध नहीं है तो आप मान जाएंगे? Yes, that is more than enough. वैसे भी आप उस लड़के को जानते हैं, उसे आप यहाँ एक बार लेकर आइए और अगर वो सबके सामने ये कह देता है कि उसका और मधु का आपस में कोई भी संबंध नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कह रहा हूँ। मुहूर्त के लिए अभी एक घंटा बाकी है। मुझे उतना वक्त नहीं चाहिए, 10 मिनट काफी है। हरिश्चंद्र प्रसाद जी, आप बेफिक्र होकर बाकी कामों पर ध्यान दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो, उसमें क्या देख रहे हैं दादाजी? हॉट न्यूज तो यहाँ है, ये देखिए। अच्छा है, जाओ बांट दो। ऑलरेडी आप लोगों ने बांट तो दिया है। हमने? हमें ऐसे फालतू काम के लिए ना वक्त है ना ताकत है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका इस चीज से कोई संबंध नहीं है? तो फिर यही बात आप और आपका पोता जाकर शादी के मंडप में कहिए। हम क्यों कहें? अगर आप जाकर ऐसा नहीं कहेंगे तो इस फैमिली की इज्जत चली जाएगी, इसलिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो ये शादी होने से रुक जाएगी, इसलिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए। हम क्यों आकर कहें? हम तो झूठे लोग हैं ना। हम क्यों कहें? हम तो छोटे लोग हैं ना। हम क्यों कहें? हम तो ब्रोकर हैं ना। नहीं आएंगे हम, ना ही कहेंगे, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। आप इससे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? दो हाथ लगाएंगे तो खुद ही आ जाएगा। हेलो। दादाजी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो इस जन्म में उसकी शादी कभी नहीं होगी। उस लड़की की जिंदगी आपके हाथ में है, मैं आपके पैर पड़ती हूं। बस बहुत हो गया, तुम लोग मेरे पैर पकड़ो या मैं तुम लोगों के पैर पकड़ू, इससे हमारा दुख कम नहीं होने वाला। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। हम नहीं आएंगे, जाओ तुम लोग। दादाजी, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप जिद कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। करूंगा और जिद करूंगा। क्या कर लोगे हैं? केस करोगे? कर लो। FIR दर्ज करोगे? कर लो।
मुझे और मेरे पोते को अरेस्ट करके हमारी हड्डियां तोड़कर कोर्ट ले जाओगे। बजाय इसके एक ब्रोकर की तरह मंडप में आना, सुहागरात में आना, जहां तुम कहोगे वहां आने के लिए हम कोई बेशर्म लोग नहीं है। गेट आउट। मैं आऊंगा सर। ये क्या कह रहा है? हाँ दादाजी, मैं जाकर बताऊंगा। क्या बताएगा? तेरी पत्नी से तेरा कोई संबंध नहीं है ये बताएगा? तू उससे प्यार नहीं करता ये बताएगा? हमारी शादी ही नहीं हुई है ये बताएगा? अरे पगले, अपनी पत्नी को किसी और को दान करेगा? नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा। जाकर मैंने उससे मंदिर में शादी की है, हमारी सुहागरात हो चुकी है कहकर सबके सामने ढिंढोरा पीटूंगा। ऐसा कहने से तुम लोग मेरी पत्नी को मेरे हवाले करोगे क्या? उसके साथ जिंदगी बिताने दोगे क्या? बोलिए। अगर आप उसे यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो यही इसी चौखट पर बैठकर इंतजार करूंगा। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, चाहे कितने भी महीना हो। आप बोलते क्यों नहीं दादाजी? ऐसे सपने क्यों देख रहे हैं जो पूरे नहीं हो सकते और जो होने जा रहा है उसे रोक रहे हैं? बेवजह किसी लड़की की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। वैसे भी एक पति होने का हक तो मैं खो चुका हूं, कम से कम अच्छा प्रेमी तो मुझे बना रहने दीजिए प्लीज। जा, जाकर लोगों की नजरों में अमर प्रेमी बना रहे। निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे 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 अरे, ये तो वही लड़का, ये तो वही लड़का है। हाँ यार, हाँ वही जो पैम्पलेट में है। यही है वो लड़का। सोनू, दरअसल बात क्या है इन्हें बताओ। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम संजय प्रसाद है, मेडिसिन सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ सर। मैं और मधु दोनों क्लासमेट हैं सर। कभी कभी मेरी गरीबी की वजह से मुझ पर तरस खाकर फीस और किताबों के लिए पैसे दिया करती थी सर। इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है सर। और सच कहूँ तो इस परिवार के लोग बहुत ही भले इंसान हैं। ऐसे शरीफ लोगों पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाना बहुत ही गलत होगा सर। मुझे लगता है इन्हें बदनाम करने के लिए जरूर किसी ने साजिश की है सर। इस कंप्यूटर के जमाने में ऐसा फोटो क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है सर? ऐसी बेकसूर मासूम लड़की के चरित्र पर ऐसा घटिया दाग लगाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते सर। सीआई साहब, आपने यही कहने के लिए कहा था ना? मैंने सब कुछ वही कहा ना? कुछ कहना भूल तो नहीं गया? मैंने कहा था? हाँ सर, आप ही ने तो कहा था अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो मधु की शादी टूट जाएगी, इसलिए मुझे लेकर आए। What nonsense is this? Nonsense की क्या बात है? मेरे मुंह से जो ये ओगलवाना चाहते थे और आप जो सुनना चाहते थे वो यही है ना? इसका मतलब जो तुमने कहा वो सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत है? Yes. तो बताता हूं, सुनिए। आप सब भी सुनिए, मैं और मधु एक दूसरे को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ये सच है। लेकिन जब ये लोग उस प्यार के खिलाफ हो गए तो जान की परवाह ना करते हुए हमने शादी कर ली, ये सच है। कुछ दिन तक हम साथ भी रहे, ये भी सच है। पत्नी के शरीर के बारे में दूसरों के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी मधु के बदन पर कितने तेल है मैं अच्छी तरह जानता हूँ सर। सर से लेकर पैर तक कितने दांतों के निशान और कितने नाखूनों के निशान है ये भी जानता हूँ सर। उन्हें छोड़िए सर, क्यों रोक रहे हैं? क्या कर लेंगे? हाँ, मार डालेंगे, इतना ही ना? तो मारिए, मारिए ना। Come on, kill me. No, let him talk. इतना ही नहीं सर, मधु मेरी पत्नी है, ये साबित करने के लिए मैं आपको और भी सबूत दे सकता हूँ। देखिए सर, देखिए, मैंने जो मंगल सूत्र पहनाया था वो उसके चाचा जी ने जबरदस्ती तोड़ दिया। उसके गले पर इसका निशान देखिए, देखिए। इसने मेरे चेहरे को दिल में बसाया था और मेरा नाम अपने हाथ पर लिखवा लिया था। वो नाम इसके रिश्तेदारों ने चाकू से खरोच खरोच कर मिटा दिया। ये रहा उसका सबूत, देखिए, आप सब देखिए। इतना सब होने के बावजूद हम दोनों को अलग करके इसे कुंवारी बताकर इसकी शादी किसी दूसरे आदमी से करने जा रहे थे ये कमीने लोग। शाबाश, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। आज तूने मेरा नाम ऊंचा किया है। शादी में जा रहा हूँ कहा था, तभी मैं समझ गया तू इन कमीनों की सबके सामने बैंड बजाने जा रहा है। बेटे दुल्हे राजा, तुम जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाने जा रहे हो ये उस लड़की का पहला पति है। अगर तुम उससे शादी करोगे तो दूसरा पति कहलाओगे। कर लो शादी,
शादी के बाद अच्छी तरह से मेकअप करके अमेरिका ले जाके वहाँ प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी शादीशुदा पत्नी को फिर से कुंवारी बनाना। जाओ बेटा जाओ। ओए ऑफिसर, पुलिस हो तो पुलिस की तरह पेश आओ, ऐसे ब्रोकर की तरह काम करोगे तो इसी तरह बदनाम होते रहोगे। हाँ चलो मेरे शेर। ऐसी किक लगी है कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। वो कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत ही शाने लोग हैं। सर आपसे एक बात कहनी थी। क्या? वही उन दोनों लड़के लड़की के बारे में। बताओ। वो दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं सर। हाँ सर, वो सोनू उस लड़की से सचमुच प्यार करता है सर। क्या है रे ये प्यार व्यार? आजकल कौन किससे सच्चा प्यार करता है? कोई खूबसूरत और मालदार लड़की के पीछे पड़कर ब्लेड से हाथ काटकर खून से लेटर लिखकर चार झूठी झूठी बातें बोलकर जाल में फंसाना प्यार नहीं होता। माल है तो ताल है, सुना है ना? उसी तरह जिसके पास माल होता है उसी के पीछे दुनिया भागती है। अगर लड़की पट जाए तो लड़के की तकदीर चमक जाती है और उसके घर का घर जमाई बनकर करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाता है। एक पैसा भी खर्च किए बिना खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस और बिना मेहनत किए फ्री में मिली हुई कार में बैठकर सैर करना, मौज मस्ती के साथ नाम भी ऊंचा होता है। क्यों, तुम्हारे हिसाब से प्यार हाई क्लास सोसाइटी या अमीर घराने की लड़कियों के साथ ही किया जाता है क्या? स्लम में रहने वाली, तकलीफें झेलने वाली गरीब घराने की लड़कियों के साथ नहीं किया जा सकता है क्या? कभी किसी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के ने किसी गरीब लड़की से या रोड पर कचरा चुनने वाली किसी लंगड़ी से, किसी अंधी से या किसी अनाथ लड़की से प्यार करके शादी की बात सुनी है तुमने? बोल ना। नहीं सुना सर। जरा इधर बैठ। दूसरों की छोड़ अपनी बात बता। अगर तेरी बेटी किसी पॉकेट मार से प्यार करती है तो अपनी बेटी की शादी करवा देगा? किसी फालतू आदमी से प्यार करे तो उससे शादी करवा देगा? चुप क्यों है, बोलना। नहीं करवाऊंगा। तू उसकी हड्डियां तोड़कर उसे जेल में डाल देगा है ना? अबे मुंह से बोल। हाँ हाँ। महीने में सिर्फ 3,000 कमाने वाला तू जैसा मामूली हवलदार ऐसा नहीं कर सकता तो एक करोड़पति आदमी अपनी बेटी की शादी किसी अरे घरे से कैसे करेगा? हैं? चल निकल। प्यार की बात करता है, प्यार की। दादा जी, आप यहाँ से भाग जाइए। दादा जी आप भाग जाइए, मैंने देख लेता हूँ। दादा जी आप मेरी बात मानिए, जाइए यहाँ से, जाइए। उन्हें मारेंगे या लड़कर मर जाएंगे। कायरों की तरह इस तरह पीठ दिखाकर भागना हमारे वंश की आदत नहीं है। अरे दो सालों को अंदर हट जा तू। दादाजी समझने की कोशिश कीजिए, जाइए यहाँ से, वो बहुत लोग हैं, अंदर आ गए तो हमें मार डालेंगे, जाइए। मारने दो, लेकिन मरने से पहले चार लोगों को मार कर मरेंगे हम। क्यों बे, जिस बेटी को मैंने अपनी पलकों पर बिठाकर पाला उसके साथ तूने सब कुछ किया कहकर सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बदनाम करके तूने उसके जिंदगी में आग लगा दी, हराम खोर। देखो रे, तुम सब लोग देखो, झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई भिखारी जब महलों के सपने देखता है तो उसका यही अंजाम होता है। देखो अच्छी तरह से देखो।
आपने क्यों बचाया इन्हें? इन्होंने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, इन्हें जल जाने दो, जाओ यहाँ से। ये कैसी बात कर रहे हैं यार, पागल हो गए हैं क्या? हाँ पागल हो गया हूँ, इन दोनों को जिंदा जलाने के बाद ही मुझे चैन आएगा। इन लोगों को यहाँ जिंदा जलाकर आप जिंदा दफन होना चाहते हैं क्या? अगर आपने इन्हें मार दिया तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी इज्जत सरेआम उछाली है उन्हें मैं राख होते देखना चाहता हूँ। इसने सबके सामने मेरी बेटी को चरित्रहीन कहा, मेरी बेटी के जिस्म पर इसने दांतों के और नाखून के निशाने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा बताइए? इन्हें मारने से कोई कर लेगा? इन्हें मारने से आपकी बेटी की शादी हो जाएगी क्या? बोलिए। छोड़ दूंगा तो हो जाएगी, माफ करूंगा तो हो जाएगी, क्या करने से मेरी बेटी की शादी होगी? किसके पैर पकड़ने से मेरी बेटी की शादी होगी? इतना होने के बाद कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूंगा। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी बेटी से मैं शादी करूंगा। आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर या आप पर तरस खाकर मैंने ये फैसला नहीं लिया है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हम जानते हैं जी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में आप? सब कुछ जानता हूँ, सब जानने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया है। इज्जत शरीर से जुड़ी होती है ऐसा मानने वाला इंसान नहीं हूँ मैं, इज्जत मन से जुड़ती है मेरा ये मानना है। मेरी भी शादी हुई थी मगर मेरी पत्नी चल बसी, इसका मतलब मैं भी तो अपवित्र हो गया ना। जब मुझे में इज्जत नहीं रही तो अपनी पत्नी में ऐसी उम्मीद क्यों करूं? दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। शादी से पहले आपकी बेटी कैसी है ये जानने के बजाय शादी के बाद मुझे अपना पति मानकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताए, ये ज्यादा जरूरी है। बेटा मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है झूठ, सपना या धोखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे विश्वास करूँ। स्वयं भगवान मेरे पास आकर मुझे वरदान देने की बात करें और मैं मना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू बेटा। एक बार मधु की भी राय जान लेते तो। मुझे भी ये रिश्ता पसंद है, तुम एक बार और सोचकर फैसला करोगे तो? आपकी बेटी से शादी हो जाए मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुमने इतना कह दिया बहुत है, ये पूरा शहर देखता रह जाएगा, इतने धूमधाम से मैं तुम दोनों की शादी करूंगा। नहीं, पहले ही शादी के टूटने की वजह से मधु और आप लोगों की बदनामी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ये सब दोबारा हो, इसलिए अपने ही चार लोगों के बीच सिंपली कोर्ट मैरिज करना चाहूंगा। ये क्या कह रहे हो? सुनिए जी, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ भैया, ये ठीक है। ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कितना टाइम हुआ है दादाजी? 10-20। क्यों? 10 मिनट के बाद मधु की शादी हो जाएगी। पति के जिंदा होते हुए पत्नी की दूसरी शादी आपने कहीं देखी है दादाजी? मेरी पत्नी की हो रही है दादाजी। सोनू, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं दादाजी, पैदा होते मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, अब मेरी पत्नी भी मुझसे दूर हो रही है। नहीं दादाजी, मुझसे एक वादा करेंगे दादाजी, कम से कम आप मुझे इस तरह तड़पता हुआ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वादा कीजिए दादाजी। हाँ मैं वादा करता हूँ दादाजी, चाहे मुझे मौत भी क्यों ना ढूंढते हुए आए, मैं उससे भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। सुनो, आपका नाम? बलराम, बलवान बलराम, CI ऑफ पुलिस। या और तुम्हारा नाम बेटी? तुम्हीं से पूछ रहा हूँ। बोलो बेटी। मधुलता। और सरनेम? लिखो राय। यहां साइन करो बेटी। आप भी साइन कीजिए सर। आप गवाह की जगह साइन कीजिए। यहां सर। लड़के की तरफ से कोई साइन कीजिए। ये लो, पुलिस वालों को भी गवाह चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब एक दूसरे को हार पहनाइए। ये लो बेटी। आज से आप दोनों कानून की नजर में पति पत्नी हैं। थैंक यू सर। चलता हूं सर।
थैंक यू सर। ए, इन साहब को घर छोड़ कर आओ। जी भैया। बेटा। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सर? अच्छा नहीं लगता। ये तो खुशी से आपकी बेटी को विदा करने का वक्त है और आप मेरे पैरों पर गिरे, ये ठीक नहीं है। नहीं बेटा, रीति रिवाज के अनुसार तुम्हारे पैर धोकर कन्यादान तो नहीं कर पाया, कम से कम तुम्हारे पैरों को छूकर उस कर्ज से तो मुक्त होने दो। ओके ओके, आप मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। हाँ बेटा। तो फिर एक काम कीजिए। बोलो बेटा, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ या फिर तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए? उसकी कोई जरूरत? फिर जल्दी से आप अपनी दाढ़ी शेव करवाइए। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, वो किस लिए सर? उनकी दाढ़ी से आपको क्या प्रॉब्लम है? इनकी दाढ़ी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कल को अगर हमारे बच्चे गहरी नींद में सोए होंगे और ये नाना जी आकर उनकी पप्पी लेंगे तो इनकी दाढ़ी चुभने से वो जाग जाएंगे। अरे सुनो। अरे बेटा, देखिए मैं अपना दिल कब का सोनू को दे चुकी हूँ। उसके सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। अगर मैं मरूंगी तो उसी की सुहागन कहला कर मरूंगी। और मुझ पर इल्जाम लगाने का हक तुम्हें किसने दिया है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ ये जानते हुए भी हम दोनों को अलग करके मेरे जायदाद को हथियाने के खातिर मेरे पिताजी के सामने महान इंसान बनने का नाटक किया और मुझसे शादी कर ली। धोखेबाज हो तुम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सुनो, तुम चाहे तो मेरी जिंदगी के साथ कितना भी खेल खेलो, उसे मैं अपना नसीब समझ कर हंसते हुए अपना लूंगी। तुमने ये अच्छा नहीं किया जो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद तुमने मुझसे शादी की, मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। लो लो, तुम्हें यही सब चाहिए ना? लो लो। ए, क्यों री? मैं एक कमीना और नीच इंसान हूँ ये जानते हुए तुमने मुझसे शादी क्यों की? ऐसे क्या देख रही हो? गला फाड़ कर कह रही थी ना, वो ही मेरा प्यार है, वो ही मेरी जिंदगी है, वो ही मेरा सब कुछ है, इसलिए तुम्हें उसी के हवाले कर दिया। मुझे ब्रोकर कहा ना तुमने और उसके दादाजी ने, इसीलिए ब्रोकर बनकर तुम दोनों को मिला दिया। मुझे मेरी ब्रोकरेज मिल जाए तो मैं अपना रास्ता नाप लूंगा। ब्रोकर का काम होता है सौदा करना, ना कि किसी का घर उजाड़ना। अब तो समझ गए दादाजी? अरे पगली, मैंने तुमसे शादी तुम्हारा पति बनकर सेटल होने के लिए नहीं की थी और ना ही तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी के लिए, तुम दोनों को मिलाने के लिए की। मैं तुम दोनों के प्यार के बारे में जानता हूँ, लेकिन जहाँ प्यार में स्टेटस देखा जाता है ना, वहाँ तुम्हारे पिताजी जैसे लोगों के बीच में आने से प्यार नाम की चीज का पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तुम लोगों को अलग करने का नाटक किया। मैंने सोचा दो दिन उसकी याद में रोओगे और तीसरे दिन सब भूल जाओगे। दो चार पैग मार के सुबह तक नशा भी उतर जाएगा, या कुछ करने के बजाय देवदास की तरह पी पी कर जान दे दोगे। सोचा था कम से कम मधु तुम्हें भुलाकर किसी और से शादी कर लेगी, लेकिन दोनों एक जैसे निकले। अपने प्यार को जीत दिलाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है, काफी देर से समझा। फिर मैंने फैसला किया, मधु के पिताजी से बचाकर दोनों को जरूर मिलवाऊंगा, इसीलिए नाटक किया। जैसा तुम समझती हो वैसा मैं कोई तुम्हारे प्यार को मारकर हवस मिटाने वाला दरिंदा नहीं हूं। तुम कह रही थी ना कि मैं एक नीच इंसान हूं, लेकिन इस नीच इंसान के सीने में भी एक दिल है। ये बेरहम इंसान भी लोगों का दुख दर्द समझता है। माना कि तुम लोगों का प्यार बहुत महान है, लेकिन मैंने भी किसी से प्यार किया था। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा रे, इस दुनिया से आजाद करने के बाद छोड़ दूंगा।
मार डालूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे बाप बना हूं, छोड़ दो मुझे। नहीं, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे प्लीज। तेरी इतनी हिम्मत साले, मुझ पर केस करता है? नहीं, मुझसे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। ए, मेरा नाम है जीके, सन ऑफ के जीके, हाउस नंबर 1, रोड नंबर 10, जुबली हिल्स, हैदराबाद। यहाँ आपने जो देखा वो एक मर्डर है, इसे इस जीके ने किया है। कोई भी कभी भी कहीं भी मेरे खिलाफ केस कर सकता है, गवाही दे सकता है और अपनी मौत को दावत। आप बिल्कुल मत घबराइए, थोड़ी सी जानकारी हासिल करने आया हूँ। जहाँ मर्डर हुआ आप वहाँ थी, ये मुझे पता है। उस कातिल को आपने देखा है, मैं ये भी जानता हूँ वो कौन है, मुझे बताइए। कम से कम हुलिया कैसा है ये बताइए। देखिए, आप जो बयान देंगी उस पर ही ये पूरा केस निर्भर करता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। सोचकर बताइए, उस खूनी के बारे में बताकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद कीजिए प्लीज। बात तो कीजिए। व्हाट? आप गूंगी हैं क्या? ओह शिट। पेन प्लीज डॉक्टर, कम से कम उसका नाम तो लिखिए, उसके हुलिये के बारे में लिख कर बताइए। कम ऑन, राइट डाउन आई से। लिखना भी नहीं आता? बुलशिट, तो स्टूडेंट की तरह दिखावा क्यों करती हो? सॉरी, आई एम सॉरी डॉक्टर। Come on. बैठो बेटी। आपकी लड़की तो बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह है बहन। अरे वही वही, केवल हाथ में बीना नहीं है, ये तो साक्षात में महालक्ष्मी है। अपना झोला बंद कीजिए, बीना महालक्ष्मी के हाथ में नहीं होती पंडित जी, सरस्वती के हाथ में होती है। वही वही, मेरा मतलब भी वही है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बोलो बेटी। सुशीला। नाम तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा बेटी, संगीत में राग वगैरह, कीर्तन वगैरह कुछ जानती हो क्या? जो ज्यादा बकबक करते हैं ना, उनका दिमाग ठीक करने के लिए राग कीर्तन अच्छा गाती है। चुप रहो तुम लोग, मेरी बेटी ने संगीत भी सीखा है। ऐसा क्यों? हाँ बेटी, चलो एक अच्छा सा भजन गाकर सुनो। कोई बात नहीं, गाओ। मन गाए श्री कृष्णा भगवान, ओ मोहन मेरे मन गाए श्री कृष्णा भगवान, ओ मोहन प्यारे इनकी कृपा से मेरे जीवन में खुशियां हजार, ओ मोहन मेरे प्यारे है मुरली वाले मेरे, मुरली वाले प्यारे देखूं इनको मैं बारंबार, ओ कृष्णा मेरे मन गाए, मन गाए, मन गाए, मन गाए।
वहीं अटक क्यों गई बेटी? अच्छा तो गा रही हो, आगे भी गाओ ना। गाओ। ये क्या हो गया? ए, रुको। अरे बहन, ये कौन है? ये दहाड़ी हमारे घर में घुसकर हमारी लड़की के पीछे क्यों पड़ गया? बहन जी, रुको। ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो आप? जल्दी से पुलिस को फोन लगाओ ना। पुलिस वाले ही है आंटी। हाँ बहन जी। हाँ बहन जी, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? क्यों रे, तुझे ई नहीं आती क्या? ए बी सी डी भी नहीं जानती हो ना, तो फिर ये बे 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 क्या है? बोल। मैं गूंगी नहीं हूँ और अनपढ़ तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर ऐसा नाटक क्यों किया? बोल, पुलिस वाले तुझे खेल लगते हैं क्या? बीच रास्ते पर एक हत्या हुई, उसे देखने के बाद भी अनदेखा करके हट गई। मगर तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे अंदर दुनिया की समझ है, फिर तुम्हें क्या हुआ? मुझे डर लगता है। यस, गवाही के नाम पर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए डर लगता है। केस के नाम पर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, इसलिए डर लगता है। दुनिया भर के नियम और दुनिया भर के सवाल करके उन्हें कुरेद कुरेद कर जीना मुश्किल कर देते हैं, इसलिए डर लगता है मुझे। पुलिस वालों पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब वो अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते तो एक गवाह की रक्षा क्या करेंगे वो? What nonsense are you talking? क्यों? मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, कोई भी पुलिस वाला पूरे 24 घंटे जिंदा रह सकता है, इसकी गारंटी दे सकता है? और तो और, कैबिनेट मिनिस्टर की सुरक्षा का भी कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे में आप पर भरोसा कैसे करें? हाँ सर, मैंने हत्यारे को अपनी आँखों से देखा है, कोर्ट में जाकर गवाही दूंगी ऐसा भी कह देती हूँ। तो उस हत्यारे से आप मुझे बचाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? देखिए, ईमानदारी से ड्यूटी निभाकर बहुत बड़े ऑफिसर की तरह परमवीर चक्र पाने की तमन्ना आपको बेशक होगी, लेकिन बेकार की झंझटों में पड़कर मुसीबत मोल लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। गुड, बहुत बड़ी बात की तुमने, थैंक यू। जब तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा हादसा हो तो इसी तरह चुप रहना। हत्या करने वाले लोगों से दुआएं लेकर 100 साल खुशी से जीना। चलता हूं, मगर एक बात याद रखना, अगर यही हादसा तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई पड़ोसी तो क्या, तुम्हारे दोस्त यार भाई बंधु कोई आगे नहीं आएगा, याद रखना। गुड बाय। मैं गवाही दूंगी, मैं जरूर गवाही दूंगी। व्हाट? यस, मैं पुलिस को पुलिस की नजर से देखा करती थी, लेकिन उनमें भी इंसानियत नाम की चीज होती है, ये आपसे मिलने के बाद पता चला। मैं गवाही दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मुझसे शादी करनी होगी। व्हाट आर यू टॉकिंग? गवाही और शादी का क्या संबंध है? है, एक मामूली लड़की के लिए गुंडों के खिलाफ गवाही देना कोई आसान बात नहीं है। मेरी रक्षा करे ऐसा कोई आदमी भी हमारे घर पर नहीं है। अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो एक पुलिस ऑफिसर की पत्नी होने के नाते, एक डायनामिक पर्सन की वाइफ होने के नाते हिम्मत से आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, पहले गवाही दे देना, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, पहले शादी होगी उसके बाद ही गवाही दूंगी। टाइट सिक्योरिटी के साथ जीके को कोर्ट में लेकर जाओ। बी केयरफुल, ही इज वेरी डेंजरस। 5 मिनट में मैं गवाह को लेकर कोर्ट में आ जाऊंगा, ओके? हेलो मैडम जी, हम किसी पार्टी में नहीं, कोर्ट में जा रहे हैं, जल्दी से आइए। हाँ, मैं तैयार हूँ जी। अच्छा माँ। हाँ, जाती हूँ माँ जी। ये क्या बेटी, जाती हूँ नहीं कहते? जाकर आती हूँ कहो। जाकर आती हूँ। संभल कर जाना बेटी। चलो, देर हो रही है। हेलो बेटा। हाँ। एसपी साहब के ऑफिस से फोन आया है। तुम जीप में बैठो, मैं अभी आया। हेलो। यस सर। ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ सर। ओके सर। शास्त्री सर, तुम लोग मैडम को लेकर कोर्ट में जाओ, मैं अभी तुम्हारे पीछे आता हूँ। जी सर। आप साथ में नहीं आ रहे हैं क्या? एसपी साहब ने मुझे अर्जेंट बुलाया है, मैं बात करके कोर्ट में आ जाऊंगा। क्या है सुशी, ऐसे मुंह क्यों लटका रही हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कोर्ट में पहुंचने से पहले ही मैं आ जाऊंगा। गुड। ए मूव।
नमस्ते सर। हरी जी कहाँ हैं? वो अंदर है सर, जाइए आप। हेलो बलराम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ इज योर मैरिड लाइफ? फाइन थैंक यू सर। अच्छा, आज तुम अपनी पत्नी को लेकर कोर्ट जाने वाले थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप ही ने तो मुझे फोन करके बुलाया। मैंने तुम्हें फोन किया? व्हाट आर यू टॉकिंग? सुशी, मैं आ गया, देखो सुशी, 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 सुशी। तब से मैं उसकी यादों के सहारे एक जिंदा लाश की तरह जीता रहा, और फिर तुम लोगों से मुलाकात हुई। मेरे प्यार की तरह तुम्हारा प्यार भी हारना नहीं चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा हाथ सोनू के हाथ में देने के लिए ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम दोनों को मिलाने के लिए मुझे इससे अच्छा और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए रजिस्टर मैरिज कहकर, ट्रांसफर कहकर, प्रमोशन कहकर ड्रामा किया और तुम लोगों को यहां ले आया। मैंने जो किया वो तुम लोगों को गलत लगता है तो मुझे माफ कर देना। देखो मधु, किसी और के हाथ में चूड़ियां पहनाने से कोई चूड़ी वाला उस औरत का पति नहीं बन जाता है। किसी बच्चे की उंगली पकड़कर उसे कोई आदमी चलाना सिखा दे तो वो उस बच्चे का बाप नहीं बन जाता। श्री राम नवमी के दिन भजन कीर्तन और वेद मंत्र उच्चारण के दौरान सीता माता के गले में मंगलसूत्र पहनाने से कोई पुजारी उनका बन जाता है क्या? ये पुजारी की तरह मैंने तुम्हारी शादी करवाई, ऐसा तुम सोचती हो? या तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया पिता की तरह समझो, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला एक दोस्त की तरह समझो, या फिर तुम भी दादाजी की तरह तुम लोगों को मिलने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करने वाला एक ब्रोकर समझो? तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ कर दीजिए, देवता समान इंसान पर शक करके मैंने आपको कितना गलत कहा। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होगा, मुझ जैसे पापन को मर जाना ही चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। अरे पुलिस वाले, तुम वाकई बहुत ही बुरे इंसान हो, बहुत ही मतलबी। इतने लोगों की गालियां खाकर पूरे 10 जन्मों का पुण्य कमाकर बैठे हुए एक स्वार्थी इंसान हो तुम। इतने लोगों का श्राप झेलने वाला तुझ जैसा इंसान भगवान से भी महान है। बड़े लोग छोटे लोगों के पैर छुए तो उनकी उम्र कम हो जाती है कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पैर नहीं छू रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर काट कर खुशी खुशी अपनी जान दे देता। बेटा अपनी जान दे देता। अरे इस बूढ़े की एक इच्छा पूरी करोगे? तुम्हें अपना पोता कहकर अपने सीने से लगाना चाहता हूँ दादाजी। कहते हैं राम जी के चरण स्पर्श से एक पत्थर स्त्री के रूप में बदल गया था, और इस बलराम जी की छाया हम पर पड़ने से हमारा प्यार सफल हो गया। आपका ये एहसान हम इस जन्म में नहीं चुका पाएंगे। बुरे दिन बीत गए और अच्छे दिनों की शुरुआत का सिग्नल मिल गया। Wish you both happy and wonderful honeymoon. Thank you, sir. अपना ख्याल रखना और संभल कर जाना। दादाजी, आप मेरे बिना रह पाएंगे क्या? क्यों नहीं रहूंगा बेटे, बहुत ही खुश रहूंगा। अब मेरे साथ मेरा बड़ा पोता भी तो है। बाय। Take care. बाय दादाजी। दादाजी, अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी आ जाएंगे दादाजी। हट।
अरे हट हट हटो हो गई। अब अंदर छुपे रहने से कोई फायदा नहीं, दरवाजा खोल, सीधी तरह खोल वरना तोड़ दूंगा। सोनू जाओ अंदर, चल छोड़ दीजिए। तेरे आशिक की जान कैसे ले जा रही है? आंखें बंद करेगी तो जान से मार दूंगा। अच्छी तरह से अपने आशिक को देख देख। हम आ गए बेटा, असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू हो। अरे यार, सोचा था कि तुझसे बाद में निपट लूंगा, लेकिन मेरा वक्त बर्बाद होने से बच गया। मेरी बेटी के साथ शादी करने का नाटक करके मेरी आंखों में धूल झोंक कर उसके हवाले कर दिया। मुझे बेवकूफ समझा है? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? ओए, इसे मार डालो। आओ। निकलो यहां से, कम ऑन, जल्दी ऊपर चढ़ जाओ, हरी अप, कम ऑन। जल्दी जाओ। Hey!
मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तेरे सारे आदमी भी मर चुके हैं और तेरे दोनों भाई अंदर बेहोश पड़े हैं। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने से लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अब तो कुछ ही पलों में मरने वाला है। तेरा ये कद्दू जैसा सर अब नारियल की तरह फटने वाला है। तेरा कोई भगवान है तो उसे याद कर ले। कम से कम मरने से पहले इन्हें दिल से दुआ देकर जा। हो सकता है तेरा भगवान तेरा पाप कम कर दे। नहीं, नहीं, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए। क्यों, यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? इतनी मुश्किल से तुम लोगों को इसलिए नहीं बचाया कि ये फिर से तुम्हें मारे? चाहे इन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आपने इन्हें मार दिया तो मेरी माँ विधवा हो जाएगी। हाँ, प्लीज सर, इन्हें छोड़ दीजिए। नो, मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा। मुझे इसकी मौत अपनी आंखों से देखनी है। अगर इसे मरता नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लो, और इसकी चीख नहीं सुन सकते तो अपनी कान भी बंद कर लो। मौत के मुंह में जाकर तुम वापस आ गए। अंधेरे रास्ते से रोशनी में आ गए। अब तो अपनी आंखें खोलो। तुमने इनके साथ इतना अत्याचार किया, फिर भी तुम्हारी जान की भीख मांग रहे हैं ये बच्चे। तुम्हें मरता देखकर अफसोस कर रहे हैं ये बच्चे। कुछ तो शर्म कर। ए, एक पल के लिए मान ले, अगर मैं भी तुम्हारी तरह इंसानियत भूल जाता तो सोचो आज तुम कहां होते। कहां होती तुम्हारी छोटी शानो शौकत और इज्जत शोहरत। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अंदर के राक्षस को मार दिया। अब मेरी एक बेटी ही नहीं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। हाँ बेटा, आज से ये दोनों ही मेरी आंखें हैं। डैडी, आओ बेटा। गुड, आखिर में इस प्रेम कहानी का अंत अच्छा ही हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। आज बलराम बहुत खुश है।